الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक इश्क मुस्तफा है अगर हो सके नसीब एक इश्क मुस्तफा है अगर हो सके नसीब वरना धरा ही क्या है इस जहाने पर अपने सरबलंदी फिर वफा की देखने में आ गई फिर वफा के नाम पर कुछ लोग हारे जिंदगी आज बहुत ही अहम रात में 29वीं शब में और बहुत ही अहम मौके पर जबकि कुरान करीम आज नमाज तरावी में आपकी मस्जिद में मुकम्मल हुआ है हम सब के सब जमा हुए हालांकि आज की रात भी उन रातों में से है जो शब कदर जिनमें होती है और हो सकती है जरूरी नहीं कि शब कदर 27 में हो गई हो मुमकिन है कि आज की ताप रात में शबे कदर हो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने पहली रात से लेकर के आज रात तक पूरे महीने कुरान करीम को सुना और आज उसकी तकरीर के मौके पर कुछ आयात की तशरीह सुनने के लिए और उसके बाद फिर दुआ के लिए आप तमाम हजरात यहाँ जमा हुए लिहाजा जब महीना रमजान का होता है तो गुफ्तगू कुरान के अंदर ही होती है और कुरान करीम से अलग गुफ्तगू करने को जी भी नहीं चाहता और उसकी वजह भी ये है कि आज से 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस किताब को नाजिल फरमाया उसका नाम कुरान जिसने नाजिल होने के बाद सारी दुनिया में ऐलान कर दिया कि आज के बाद महबूब अल्लाह तबारक व तआला का वही है जो कुरान पढ़े और कुरान पर अमल करे गौर किया कीजिए कि किन हालात में कुरान आया वो हालात जमाने के क्या थे जब इंसान
इंसान नहीं था बल्कि जानवरों की जिंदगी गुजार रहा था। उसे नहीं मालूम था माँ का रिश्ता क्या है, उसे नहीं पता था बहन का कितना पाकीज़ा रिश्ता है, और नहीं जानता था कि बेटी के बाप पर हुकूक क्या है। उसे कुछ खबर नहीं थी कि खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का कितना बुलंद मकाम और कितना ऊंचा घर है। वो जमीन पर जी तो रहा था मगर जानवर उसकी बेहयाई को देखकर शर्मा रहे थे। वो जमीन पर जिंदा तो था उसके कब्ज़ो खून को देखकर जानवर दरिंदे हया खाते थे कि क्या ये इंसान है जो इंसान का खून पीता है। इन हालात में एक ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया कुफर की दलदल में फंसी हुई थी, चारों तरफ शिर्क बुत परस्ती के घटा टोप अंधेरे थे, जमीन पर कोई नबी नहीं था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के महीने में शबे कद्र में कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया। आज उसी किताब की तिलावत आप हजरात ने अपनी जबान से की है, आज उसी किताब की आया आपने अपने कानों से सुनी है। यही वो किताब है जिस किताब ने आकर अरब के उन बद्दुओं की जो अरब की सरजमीन पर सिर्फ लड़ना और झगड़ना जानते थे, जिनका नामो निशान दुनिया में नहीं था, कोई उनको पहचानता नहीं था, उस मौके पर कुरान करीम ने आकर उन्हें दुनिया का इमाम बनाया और कुरान करीम ने उनके जरिए से कैसर की बिसात उलट दी और किसरा के ताज और किसरा के कंगन उनके हाथों में और उनकी ठोकरों में। यह है वो अजीम किताब, यह है वो अल्लाह तबारक व तआला का हिदायत नामा, यह है वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुसलमानों को मिला हुआ अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम। जब वो एक ऐसी कौम के पास आया जो शराब पीती थी, जो जिना की आदी थी, जो कत्ल करने को कब्र समझती थी, जो खाना काबा का नंगे होकर तवाफ करती थी, जो अपनी माँ के साथ भी मुंह काला करने में परहेज नहीं करती थी, जो अपनी बहनों के दुपट्टे महफूज रखने की आदी नहीं थी, एक ऐसी कौम जो जंगल में सिर्फ शिकार करती हो, उसके पास जब अल्लाह तबारक व तआला की किताब आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के जरिए से उस कौम को दुनिया का सरबराह बनाया, हुक्मरान बनाया, इमाम बनाया, कायद बनाया, रहनुमा बनाया। कहने वाले ने क्या ही खूब कहा, दुर्पहचानी ने तेरी खतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज की इस मजलिस में सिर्फ यही गौर और फिक्र करना कि यही किताब आई अरबों के पास, अहले मक्का और मदीना के पास, इसके सिवा कोई और किताब नहीं थी। रब्बे काबा की कसम, इस किताब में जर्रा बराबर तब्दीली नहीं हुई है। इसका लफ्ज लफ्ज वही है, इसका अर्थ हक वही है, इसकी सूरह मदनिया और मक्किया वही है, इसका लबो लहजा वही है, रस्मुल खत वही है, इस कुरान करीम का जमान और कमाल वही है। कोई नहीं कह सकता है कि इस कुरान में और जो 1400 साल पहले उतरा था उसमें लफ्जों की तब्दीली कर दी गई है या माना को बदल दिया गया है, कोई तब्दीली नहीं है। 1450 सदियां गुजर चुकी हैं, जिस शान से जिब्राइल इसे लोहे महफूज से लेकर आए थे उसी अल्फाज में मौजूद है, उसी तरतीब के साथ मौजूद है, उसी अंदाज से लिखा हुआ है जिस तरह हजरत उस्मान ने, अबू बकर सिद्दीक ने, उमर इब्ने खत्ताब ने इसको जमा किया था। मगर क्या वजह है कि उस किताब आज हमारे पास मौजूद होते हुए दुनिया का मुसलमान वो जिंदगी गुजार रहा है जिस पर खुद उसकी तकदीर रो रही है, और सारी दुनिया में आज मुसलमान परेशानी और बेचैनी की जिंदगी गुजार रहा है। इस पर इस लम्हे हमें गौर करना
किसी ने सही कहा है, पलट जा जानिबे मंजिल पर, पलट जा जानिबे मंजिल पर जा, जमाना आगे बढ़ रहा है तो 1400 वर्ष पीछे को हट जा। हमें आज बबांगे दौहद डंके की चोट की ऐलान करना होगा कि हम ख्वाब नहीं देखते, अमली तौर पर 1450 साल पुराना जमाना इस दुनिया को दिखा कर रहेंगे। हाँ, वही जमाना जिस जमाने में कुरान अदालतों में रखा होता था और कुरान के मुताबिक जिंदगी के फैसले होते थे। कातिल किसी का सर उतार कर सरेआम घूम नहीं सकता था। अगर कातिल के बुरा था आकर ये कहते, हमें अपने बाप के कत्ल का सिसास चाहिए, हमें अपनी माँ के या अपने बेटे के कत्ल का सिसास चाहिए, हमें अपने भाई के खून का बदला चाहिए, ये कौन होता है हमारे भाई की गर्दन उतारने वाला। लिहाजा इस्लामी अदालत मौजूद होती और कातिल को पकड़ा जाता और मक्तूलों के हुक्म पर, मक्तूलों की फरियाद पर कुरान करीम की ये आयत काजी पढ़कर सुनाता, अन्न नफ्स बिल नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अन्फ बिल अन्फ वल उज़्न बिल उज़्न वल सिन्न बिल सिन्न वल जुरूह क़िसास, जान का बदला जान है। और कुरान की आयत पढ़ दी जाती, कुतिब अलैकुमुल क़िसासु बिल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा, अगर आजाद ने कत्ल किया है तो आजाद को छोड़ा नहीं जाएगा कि आजाद के बदले में गुलामों को कत्ल कर दिया जाए, अगर कातिल गुलाम है तो गुलाम को भी कत्ल किया जाएगा। यह नहीं कि गुलाम की जगह बांदी को कत्ल कर दिया जाए, अगर कातिल बांदी है तो बांदी को भी उसी तरह कत्ल किया जाएगा जिस तरह उसने किसी का नाहक कत्ल किया है। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान कुरान मुकद्दस का 1450 साल पहले आसमानों पर नहीं, चौथे आसमान पर नहीं, अर्श मौला पर नहीं, सिदरतुल मुंतहा पर नहीं, मक्का में, मदीना में, फिर जजीरा अरब में, और उसके बाद इराक में, शाम में, और उसके बाद तुर्की में, स्पेन में, उसके बाद हिंदुस्तान में, और दुनिया के चौथाई हिस्से पर ये निजाम नाफिज था। इसके हमें ख्वाब ही नहीं बल्कि अमली की जिद्दोजहद और कोशिश करनी। कुरान किस लिए आया है, कुरान किस लिए आया, बस ये एक आयत को पढ़कर उस पर अमल करना है। वो निजामे जिंदगी लेकर आया, कुरान ने हमें निजामे तिजारत दिया है, कुरान ने हमें निजामे मईशत दिया है, कुरान ने हमें निजामे सलात दिया है, कुरान ने हमें हज का निजाम बताया है, और कुरान ही ने हमें निजामे हुकूमत अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी का मोहताज नहीं रखा, लेकिन आज की दुनिया का बसने वाला मुसलमान क्या उसके जहन और दिमाग में ये बात है, क्या उसके ख्याल में ये बात है कि उसे कुरान करीम पर अमल भी करना है? वो समझता है कि बस कुरान पर ईमान ले आओ, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही कह लेना काफी है, कुरान पे अमल कौन करेगा, उसके हुक्मों पर कौन चलेगा, किस लिए आया ये कुरान, ये कुरान मिला अरबों को, और जब भी अरबों को कुरान मिला तो याद रखिएगा आज के जमाने की तरह कल भी उस जमाने में दुनिया की दो सुपर पावर थी, एक का मरकज ईरान था और दूसरों का मरकज मुस्लिम दुनिया, ये दो बड़ी बादशाहतें थी जिनको उस दौर की सुपर पावर कहा जाता था, जिन्हें अपनी कुव्वत पर नाज, जिन्हें अपने असलहों पर नाज, जिन्हें अपनी फौज पर नाज था। लेकिन कुरान मुकरीम ने आकर ऐलान किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, वरब्बका फकब्बिर
आप अपने रब की तकदीर बयान कीजिए। आज दुनिया में कोई ईरान को बड़ा समझ रहा है और कोई रूम को बड़ा समझ रहा है, कोई रूम के हथियारों से खौफ ज़दा है और कोई ईरान की कुव्वत से दरदबर अंदाम है। ऐ महबूब आमना के लफ्ते जिगर, अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम, ऐ हाशमी खानदान के चश्मो चराग, तुझे अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मुकद्दस दिया है, लिहाजा तू अल्लाह अकबर तेरा नारा हो, अल्लाह की किबरियाई तेरा ऐलान हो, खाने काबा में खड़ा हो अल्लाह हो अकबर कहकर और नियत बांध ले, अल्लाह हो अकबर कहकर रुकू में चला जा, अल्लाह हो अकबर कहकर सजदे में चला जा और ऐलान कर न हुबल बड़ा है, न लाफर मनाफ बड़ा है, न ऊंचा देवी बड़ी है, न कोई इसाफ और न इलाबुद बड़ा है, न अरब के सरदार बड़े हैं, न रूम का शाह बड़ा है, न ईरान का किसरा बड़ा है। अगर बड़ी कोई ताकत है तो सूरज को निकालने वाली और सूरज को शाम को डुबो देने वाली, चांद को पतला कर देने वाली और चांद को चौथी रात में मुकम्मल कर देने वाली दात अल्लाह तबारक तआला की है, वो है सबसे बड़ा। इसी जब अल्लाह को अकबर कहते हैं तो नाथ पाक बहुत से हमारे हिंदुस्तान और बड़े सदी में नारा तकबीर उसका ऐलान किया जाता है। एक शब्द कहता है नारा तकबीर, दूसरा कहता है अल्लाह को अकबर, अरब तकबीर कहते हैं खाली और तकबीर के बाद अल्लाह को। मुसलमानों का नारा जो उनकी जबान पर जारी होता है वो है अल्लाह अकबर। खुशी हो या हम, फतह हो या कठिन, मौत हो या जिंदगी, वो अल्लाह अकबर उनकी जबानों पर जारी होता है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है, बाकी वो किसी की बड़ाई न तस्लीम करते हैं और न करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस को नाज़िल फरमाया है। मेरे अजीजों, दोस्तों और साथियों, वक्त आज बदल रहा है, हालात तब्दील हो रहे हैं। दुनिया में उस वक्त भी लोग अपनी कुव्वत और ताकत पर नाना थे, लेकिन कुरान मुकद्दस ने आकर ऐलान किया वलिल्लाहि इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत अहले ईमान के लिए है। इज्जत के माना ताकत के हैं, इज्जत के माना बेपनाह कुव्वत के हैं। कुरान किस वक्त ऐलान कर रहा है जब मुसलमानों के पास ताकत नहीं है, बिलाल में इतनी भी ताकत नहीं है कि उमैया के पैर के नीचे से निकल भागे, जिंदीरा में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो घोड़ों से निकल कर भाग सके, हजरत सुमैया में इतनी ताकत नहीं है कि अपने टुकड़ों होने से बचा सके, हजरत अम्मार बिन यासिर में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो दुश्मन का कोड़ा पकड़ सके, इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है। लेकिन उस मौके पर जबकि बेसर और सामानी के आलम में लोग खड़े हैं, लेकिन इसी हाल में वो अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं। कुरान उनसे कहता है वलिल्लाहि इज्जत वलिरसूली वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत यानी जबरदस्त कुव्वत और ताकत अहले ईमान के लिए है। जो लोग ईमान को नहीं जानते वो अल्लाह और कुरान की ताकत को नहीं जानते। जिनके सीने में ईमान नहीं होता वो नहीं जानते कि रब की ताकत क्या होती है, रब की कुव्वत क्या होती है। आपने कुरान सुना पहली सूरत से लेकर के आखिरी सूरत तक, सूरह माईदा, सूरह अनफाल और तौबा, सूरह मोहम्मद और सूरह फतह। आप जरा अंदाजा तो लगाइए, इस्लाम के फैसले अजीबो करीब हैं, बड़े अजीबो करीब, समझ में नहीं आ सकते, मुसलमान ही समझ सकता है। मुजाहिद जिसके दिल में फिरासत ईमानी हो वही जान सकता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से फतह का वादा किया था। जरा मुझे बताओ तो सही, जिस वक्त मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में मक्का से निकल रहे हैं, एक दिन ये है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हजरत रुकैया अपने शौहर उस्मान गनी के साथ मक्का को अनविदा कहकर चली जाती है और हबशा में जिंदगी गुजारती है। उस वक्त मुसलमान
वे सरोज सामानी के आलम में है कि मक्का की गलियां उन पर तंग है, फिर उसके बाद हिजरत मदीना की तरफ शुरू होती है। मुसलमान वे सरोज सामानी के आलम में है, लेकिन कुरान उनसे कह रहा है, कुरान उनसे कह रहा है उलाई का हिजबुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की पार्टी, ये अल्लाह तबारक व तआला की जमात, ये अल्लाह तबारक व तआला का गिरोह है। और अल्लाह तबारक व तआला का गिरोह अला इन हिजबुल्लाह हुमुल गालिबून, और अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर गालिब आकर के रहता है। तो सब मुनाफिकीन कह रहे हैं गर्रा हाउलाई दीनुहुम, ये है इनके दीन ने धोखे में डाल दिया, हम अपना किसी के बात रहे। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर फतह पाएगा, उसकी जमात कामयाब होकर रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैंने अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है कि मैं अहले ईमान की मदद करूंगा। वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, जहां जहां कहीं भी जिस दौर में भी अहले ईमान साबित कर देंगे कि हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला पर है, हमारा ईमान अल्लाह की कुदरत पर है, हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला की कुव्वत पर है, हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर है, हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला की मदद पर है, उन अहले ईमान के लिए अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं उनकी मदद करूंगा। वकाना हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, तो एक दिन तो वो है और एक दिन मदीना में हिजरत का है, और एक दिन कुरान करीम कहता है कि जब बद्र में घमासान की जंग हुई, आज तो हैरत यह है कि अगर आज जमीन के किसी टुकड़े पर मुसलमानों को फतह मिल जाए, या मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर हुक्मरानी अता कर दे, या जमीन के किसी टुकड़े पर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी अता फरमा दे, तो आज का मुसलमान कल के मुनाफिक की तरह ये कहता है ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी ताकत के मुकाबले में ये लोग पता पा जाए, हो ना हो ये बातिल के एजेंट हैं, हो ना हो ये मुसलमान नहीं है, इनकी मदद तो किसी काफिरा मुल्क ने की है। ऐ कुरान पढ़ने वालों, ऐ कुरान पढ़ाने वालों, ऐ कुरान की तफसीर बयान करने वालों, ऐ कुरान करीम को कुरान करीम से अपने आप को जोड़ने वालों, बताओ आज से 1400 साल पहले बद्र के मैदान में, बद्र का मैदान गवाह है, एक तरफ 1000 का लश्कर है जिसके पास तीर भी है, तलवार भी है, नेजे भी हैं, भाले भी हैं, ढाले भी हैं, ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, माहिर जर्नेल भी हैं। अबू जहल इस्लाम के मुकाबले पर खुद आया है, इस उम्मत का फिरौन खुद कयादत कर रहा है, शैतान बराह रास्त अपनी फौजों को लेकर आया है। जरा दूसरे लश्कर पे नजर डालो तो दूसरे लश्कर का आलम यह है कि कुल 6 तलवारें हैं, नंगे हाथ हैं, खाली हाथ हैं, 6 हाथों के अलावा किसी हाथ में न नेजा है, न बरछा है, न भाला है, किसी के सीने पर सिरा भी नहीं है, नंगे सीने हैं, कुल 8 सीनों पर सिरा है, घोड़े कहाँ हैं, कुल 2 घोड़े हैं, बाकी तमाम के तमाम लोग पैदल हैं, लिहाजा कुछ भी तो नहीं है, खाली हाथ मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कुरान का बयान न होता, अगर ये कुरान की आयतों में न होता, तो आज दुनिया झुटला देती और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भी नऊज़ुबिल्लाह ये लोग कहते कि अबू जहल से नूरा कुश्ती थी और अबू जहल को चकित था गया। बताओ बद्र में ये 313 का लश्कर कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कामयाबी हथियारों की बुनियाद पर मिली? हथियार तो उधर थे, इधर तो 6 तलवारें हैं, उधर बड़े बड़े जर्नेल हैं, उबई बिन खलफ जैसा, उकबा और रबिया जैसा, शहबा जैसा, उमैया बिन खलफ जैसा, कैसे कैसे बड़े बड़े कर्नल और जर्नल हैं,
जो सत्तर जमीन पर तड़पे हैं और जिन्हें कुएं में डाला है, वो नाम चीन थे, उनसे उस वक्त का जमाना कांपता था, और जो सत्तर गिरफ्तार हुए हैं वो भी कम नाम वाले न थे, उनकी बहादुरी का क्या आलम था। जरा उसको अंदाजा लगाइए कि 313 के मुकाबले पर 140 तो अपनी अपनी कौम के सरदार थे, लेकिन उनके सरदार की तरफ किसने तीर चलाया, उनके सरदार की गर्दन किसने नापी है? हजरत अली ने नहीं, हजरत उमर ने नहीं, हजरत हमजा ने नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं, मुस्तफा बिन उमर ने नहीं, बल्कि उस अबू जहल को जो उस वक्त की जाहिलियत का इमाम था, जो शैतान का आरा-ए-कार था, जिसके मशवरे पर शैतान झूम उठा था, उसकी तरफ अगर कोई आगे बढ़ा तो वो मोहब्बत और मास थे, जो अफरा के बेटे थे, जिनकी उम्र कमचनी की थी। कोई नहीं सोच सकता है कि ये बच्चे ही अबू जहल का खात्मा कर सकते हैं, बिजली की तरह उसका खात्मा किया है। और अल्लाह तबारक वताला ने ऐलान किया, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मुट्ठी भर ताक तुमने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है, फलम तक्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह कतलहुम, इन्हें कत्ल तुमने नहीं किया है, इन्हें कत्ल अल्लाह ने किया। जब अल्लाह का लश्कर और शैतान का लश्कर भिड़ता है तो अल्लाह खुद कमांड करता है। अशद्दु बअसं अशद्दु तंकीला, अरे अल्लाह से ज्यादा जंग करने वाला कोई हो सकता है? नहीं आती बात समझ में, आज के मुनाफिकों की बात समझ में नहीं आएगी। वो तो कहेंगे कि कैसे हो सकता है कि अबरदील की चोंच से अब्रहा के हाथी हलाक हो जाए, कैसे हो सकता है? उनकी समझ में नहीं आएगी ये बात, ये कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी चिड़िया कंकड़ियां लेकर आऊं और कंकड़ियां खाया हुआ भूसा बना दे? समझ में नहीं आती बात। ऐसा लगता है कि उनको अबू उनको भी अब्रहा नहीं दी होंगी कंकड़ियां उठा करके हम ही मार दें। लेकिन जिसका ईमान कुरान पर है, जो जानता है मक्के की फतह की बिशारत कब सुनाई जा रही है, मक्के की फतह की बिशारत कुरान उसको सुना रहा है, जब सहाबा दांतों को पीसते हुए आंख से आंसू बहाते हुए और दिल की आग को अपने जज्बात से दबाते हुए हुदैबिया के मकाम पर सुलह कर रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैसले को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मोहम्मद अरबी, नहीं नहीं, हम उमरा करेंगे, तवाफ करेंगे, हम बताएंगे अहले मक्का को कि हम भी अरब के शेर और अरब के चीते हैं, हम भी अरब की माओ के जिगर टोशे हैं, कौन है जो हमें रोके? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह ताला का मुझे हुक्म है, ठहर जाओ, रुक जाओ, वापस जा रहे मदीना को आंसू बहाते हुए, रोते हुए, दिलों पर हाथ रखते हुए, गम से दिल छल्ली छल्ली है और अश्कों से दाढ़ियां तर हैं कि ऊंट पर सवार हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल आए और आकर कहा इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के की फतह की बिशारत लेकर आया। कुरान सुनते हैं तो पता चलता है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरे के लिए जा रहे थे तो ऐलान कराया गया था कि है कोई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उमरा करने मक्का चले? तो देहात में कुछ मुनाफिक थे, वो कह रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस नहीं आएंगे, लड़ मक्के वाले इन्हें चबा जाएंगे, मक्के वाले इनकी लाशों को पेड़ों पर टांग देंगे, मक्के वाले इनकी खोपड़ियां काट कर उनमें शराब पिएंगे, मक्के वाले इन्हें वापस नहीं आने देंगे। अल्लाह ने कहा ये जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि मेरा महबूब लौट के वापस मदीना नहीं आएगा, मेरा महबूब लौट के वापस मदीना आया, मैंने अपने महबूब को फतह की बिशारत भी सुनाई, लेकिन मेरी हिकमत में ये था कि मक्के की फतह से पहले खैबर फतह होगा और खैबर जब फतह हो जाएगा तो यहूदियों की जब कमर टूट जाएगी, यहूदी जब गुलाम बना लिए जाएंगे, यहूदियों का अपना जब
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے گا، جب یہودیوں کا مال غنیمت محمد رسول اللہ کی جھولی میں آ جائے گا، جب یہودیوں کی عورتیں بالیاں بنا لی جائیں گی، جب فلک اور خیبر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے گا تو اہل مکہ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کی فتح سے پہلے خیبر کی فتح دینا چاہتا ہے۔ سورہ فتح پڑھی تو صحیح، اگر نہیں بھائی سورہ فتح نہیں پڑھنا، نہ پڑھنا نہ پڑھنے دیں گے، نہ پڑھنا نہ پڑھنے دیں گے۔ قرآن کی تفسیر کرنے والا آج کے زمانے میں مجرم کہلاتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا گمراہ قرار دیتا ہے، گمراہ قرار پاتا ہے، قرآن کا درس دینے والا اسلام کا بازی بن جاتا ہے، وہ خارج ہو جاتا ہے اسلام سے کہ یہ قرآن کا درس کیوں دے رہا ہے، قرآن کی تفسیر کیوں کر رہا ہے، سورہ فتح ہمیں نہیں سننی، سورہ انفال ہمیں نہیں پڑھنی ہے، سورہ مائدہ ہمیں نہیں پڑھنی ہے، ہمیں ایسا قرآن لے کر آؤ۔ آج کے مسلمان کا وہی مطالبہ ہے جو کل کافروں کا تھا، دوسرا قرآن لاؤ، دوسرا قرآن لاؤ۔ اول دل ہوئے ایسے بدل دو، کہتے تھے یہ والا مطلب، دوسرا لے کر آؤ۔ آج کسی اور کو نہیں، مسلمانوں کو قرآن سے، قرآن سے دوری ہے، اور اس حد تک دوری ہے کہ بغض ہو چلا ہے انسان نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کہیں کسی مسجد میں آپ قرآن کا ترجمہ شروع کر دیں، درس شروع کر دیں، قرآن کی تفسیر شروع کر دیں تو آر ایس ایس کے لوگ فوراً نہیں چڑھ دوڑیں گے، وہاں پھر بجرنگ دل کے لوگ نہیں آئیں گے، رشنو پریشد فوراً حملہ نہیں بولے گی، مگر اسی محلے میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ آپ نے کہاں فتنہ شروع کر دیا ہے، کیوں فتنہ شروع کر دیا ہے، قرآن کی تفسیر آپ سنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ عالم دین بس کرو، ہمیں قرآن نہیں چاہیے، ہمیں ایسا قرآن چاہیے جس میں حلوے کی بات اور میٹھے کی بات۔ قرآن کا وہ حصہ سننا چاہتے ہیں جس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں نازل فرمایا، مدینے والا قرآن نہیں چاہیے۔ چاہیے داستان یوسف سناؤ، زلیخا کتنی خوبصورت تھی یہ بتاؤ، اس کے عشق کا کیا عالم تھا وہ بتاؤ، داستان یوسف ہمیں سنا کر ذرا عشق و معاشرے کی باتیں سنائیے، وہ بھی قرآن کی سورت سورہ یوسف سے۔ اب جب کوئی مولوی سورہ یوسف سناتا ہے، ترجمہ کرتا ہے تو کہتا مزہ نہیں آیا، تم نے وہ باتیں تو سنائی نہیں جو میں نے داستان یوسف میں سنی تھی۔ وہ قرآن سے بھی وہی سننا چاہتا ہے جو عشق اور معشوقہ کی باتیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک نبی اور ایک عورت کے درمیان وہی کہانی دہرانا چاہتا ہے جو لکھنے والے ناول نے لکھ دیا، بات طویل ہو جائے گی لیکن کہی بھی جائے گی۔ اس لیے کہ انبیاء کرام اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ قوموں کے سامنے حق کا فریضہ انجام دے دیں۔ اب آپ بتائیں دو سال ہوئے صلح حدیبیہ کو، خیبر کے قلعے فتح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ یہودی جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کون زیر کر دے گا، جب مدینہ سے محمد رسول اللہ نے بنو قینقاع کو نکالا ہے تو وہی منافق تھا عبداللہ بن ابی، جن کی بن تہائی ایک تہائی آبادی پر جن کا کنٹرول تھا، اور بنو نذیر سے جا کر اس نے یہ کہا مت نکلنا، میری فوج تمہارے ساتھ ہے، میرا لشکر تمہارے ساتھ ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، نہیں محمد رسول اللہ کی دھمکیوں میں مت آنا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع سے جا کر کہا 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر اندر مدینہ کو چھوڑ کر نکل جاؤ، جتنا سامان اپنے اونٹ پر لاد کر لے جا سکتے ہو وہ اونٹ سامان پر لاد کر لے جاؤ، اگر 3 دن کے بعد تم مدینہ میں دکھے تو تمہارے سر قلندر کے کھجوروں کے پیڑ پر ٹانگ دیے جائیں۔ آج کے لوگ ہوتے تو کہتے کہ نہیں محمد رسول اللہ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، یہ تو ابھی ہجرت کر کے پہنچے تھے مکہ سے، ان کے پاس تو تن پر پہننے کے کپڑے بھی نہ تھے،
इनके पास तो सब छुपाने के लिए मकानात भी ना थे। ये अभी बद्र में निकले थे तो इनके पास कुल 6 तलवारें थी। आज इतनी बड़ी ताकत इनके पास कहां से आ गई कि यहूदी लोग ये जिला वतन कर रहे हैं? हो ना हो किस तरह से और इनकी रूहियों से ताल्लुकात हैं, वहीं से आ रहा है सारा, वहीं से चल रहा है मामला। कहते आज के लोग नहीं कहते, इनसे पूछो, ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद तो नहीं जानते कि बद्र में अल्लाह तबारक व तआला की मदद कैसे आई, हुनैन में अल्लाह तबारक व तआला की मदद कैसे आई, और कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से मदद का वादा किया है नहीं किया है। लिहाजा बनू कैनका निकाले गए और उसके बाद बनू नजीर को चिला पतन किया गया। आहा, यही बनू नजीर जिन्हें अपनी कुव्वत और ताकत पर नाज था, जिन्हें अपने असलहों पर नाज था, जिन्हें अपने फैशन और अपने हथियारों पर नाज था, जब बद्र की जंग हुई है इन्होंने कहा था कि मक्के के छोकरों से तुम्हारा मुकाबला हुआ है, जिस दिन हम से मुकाबला होगा तो हम तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। इससे कह रहे थे साहबा से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर दीन कसकर और अपने साहबा के साथ बनू नजीर से कहा निकल जाओ, अगर दीन अगर नहीं निकले तो फिर तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। बनू नजीर के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सिरों को घेरा और नतीजा यह हुआ कि वो भी मदीना की आबादी से बाहर निकल गए। नहीं निकाले गए, कहां से आई कुव्वत रसूलुल्लाह के पास? अल्लाह तबारक व तआला, जो लोग अल्लाह को नहीं जानते, जो अल्लाह तबारक व तआला की मदद को नहीं जानते, जो अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों को नहीं जानते, जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूलों से किए हुए वादों को नहीं जानते, अल्लाह तआला ने अपने रसूलों से वादा किया है लनंसुरु रुसुलना, हम अपने रसूलों की मदद करते हैं और करते रहेंगे, वो नहीं समझ सकते। इदा जा नसरुल्लाह, जो अल्लाह की मदद का मफहूम नहीं समझते, अला इन नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह तबारक व तआला की मदद करीब है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद करीब है। जब पिछली कौमों को आजमाइशों में घेरा गया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलु जन्नत, क्या तुम्हारे पास अभी तो वो हालात आए ही नहीं जो तुमसे पिछली कौमों पर आए हैं, मस्तकुमुल बक्सा, जंगों ने उन्हें घेर लिया, व दर्रा, तकलीफों से वो दो चार हुए, व ज़ुलज़िलु, हिला दिए थे, ज़लज़ला और भूचाल आ गया, यहाँ तक के रसूल और रसूल के साथी पुकार उठे मता रसूलुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी, जब रसूल पुकार रहे हो तेरी मदद कब आएगी, जब रसूल के सहाबा पुकार रहे हो अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, जिस वक्त जिस्मों से खून बह रहा हो, जिस वक्त माएं तड़प रही हो, जिस वक्त बेटे तिलक रहे हो, जिस वक्त शहीदों की नमाज जनाजा इज्तिमाई तौर पर अदा की जा रही हो, जब चारों तरफ ये कोहराम मचा हुआ हो कि नबी और नबी के साथी जख्मी हो, तो जख्मियों के पास खड़े होकर खून के कतरों के पास नजदीक आकर अल्लाह तबारक व तआला कहता है अला इन नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह तबारक व तआला की मदद करीब है। ये कैसे आती है? दिखती नहीं आती। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअय्यदहु बिजुनूदिल लम तरौहा, हमने उनकी मदद की अपने नबी की मदद की कायदे ऐसे लश्कर से जिसे तुम देख नहीं रहे, जिसे तुम देख नहीं रहे थे कि अल हमने ऐसे मदद की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर तुम मदद नहीं करोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा कि अगर ये लोग मदद न करें लकद नसरकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की अपने बंदे की मदद कर चुका है। कब? जब वो गार के अंदर थे तो गार में किसने मदद की थी, गार से किसने बचाया था, वहां से जाते हुए किसने बताया था? आज का मुसलमान अगर होता यूं ही तो नहीं था उस जमाने में, इसकी लिस्ट मुनाफिकों की आ जाती, ये मुनाफिकों में शुमार होता, लिहाजा ये तो कहता कि नहीं, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अंडरस्टैंडिंग थी अबू जहल से कि मैं निकल जाऊं तो यहां हुकूमत करना, मैं मदीने की हुकूमत कर लू। ये कहते हैं सबको धोखा दिया कि मैं यहां की हुकूमत देखूं तो वहां की देखू। आज यही तो हो रहा है। अल्लाह तबारक बताला की किताब पर यकीन नहीं, अल्लाह तबारक बताला की रसूल के वादों पर और आपकी इशारतों पर यकीन नहीं,
कल जब कुरान उतरा था तो कुरान करीम ने एक वादा किया था, सिर्फ मुसलमानों के दिल की आरज़ू पर वादा किया। और वह आरज़ू ये थी कि उस वक्त दुनिया दो कैंपों में बटी हुई थी, एक तरफ रूमी ताकत थी और दूसरी तरफ ईरान की ताकत थी। ईरान की ताकत बुत परस्तों की थी, आग के पूजने वालों की थी, सितारों के मानने वालों की थी। और रूमी ईसाई थे, वो कम अज कम अहले किताब थे, वो कम अज कम ईसा अलैहिस्सलाम और आखरत के मानने वाले थे। लिहाजा रूमियों को शिकस्त दे दी किसने? ईरानियों ने शिकस्त दे दी। तो मक्का के काफिलों ने जश्न मनाया, पटाखे छोड़े, आतिशबाजियां छोड़ी और ये कहने लगे आज आज रूमी हार गए, रूमियों को शिकस्त दे दी गई, रूमियों ने शिकस्त खा ली है। जब ये शिकस्त हुई तो मुसलमान थोड़े से पूछ कर रख गए, क्योंकि मुसलमानों के दिल रूमियों के साथ थे, मुसलमानों के दिल उस वक्त के एतबार से ईसाइयों के साथ थे, इसलिए कि ईसाई भी अहले किताब थे, ये भी अहले किताब थे, ये भी हजरत ईसा को मानते थे, ईसाई भी के मानते थे। मुसलमानों को जब तकलीफ हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ए मुसलमानों, गम करने की जरूरत नहीं है। अल करीम अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अस्नल अर्द व मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी मिज़्र सिनीन, चंद सालों के बाद रूमी फतह पाएंगे और ये मुशरिक को बुत परस्त शक्ल खा जाएंगे। जब वह सिद्दीक के सामने आयत आई तो आपने पुकार पुकार कर कहा ए मक्के वालों सुनो, थोड़े दिनों में मना लो जश्न, उसके बाद रूमी गालिब आ जाएंगे, तुम जिनके तरफदार हो वो हार जाएंगे, तुम जिनके तरफदार हो वो शकिन खा जाएंगे, तुम जिनकी वाहवाही कर रहे हो वो शकिन खा जाएंगे। मैंने कहा नहीं, कोई इस ताकत को शकिन नहीं दे सकता, ईरान की ताकत को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आसमानों से बातें करती है, उसे कौन हिला सकता है, उसे कौन चकना चूर कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिद्दीक अकबर ने कहा ऐसा हो कर रहेगा, मेरे नबी ने कहा है, मेरे नबी पर जो कुरान आया है उस कुरान ने कहा है। चल शर्त लगा दे, अगर मैं सच्चा हूँ तो दसूट मुझे दे देना, और अगर तू सच्चा हुआ तो मैं दसूट तुझे दे दूंगा। शर्त लगा दे, तीन साल में ऐसा हो जाए का ठीक है, शर्त लगा कर गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के रसूल शर्त लगाया, दस दस फूट होगी, रूमी गालिब आ जाएंगे और ईरानियों को शिकस्त होगी। क्या कितने दिनों की शर्त लगा ली? कहा तीन साल। आपने फरमाया तीन की क्यों लगा ली? कुरान ने तो तीन साल नहीं कहा, बिजली सिनीन कहा, सिनीन चंद साल, और सिनीन जमा है, और ये अरबी में जमा किल्लत है, ये तीन से लेकर नौ तक बोली जाती है, तो बकर इसमें नौ साल भी लग सकते हैं। जाओ मैं कहता हूं नौ साल की शर्त लगा लो, नौ की, और नौ की शर्त लगाकर आओ, सौ वोटों की शर्त लगाओ, दस की नहीं सौ की, जो कुरान ने कहा है वो होकर रहेगा। और अगर सिद्दीक आए और कहा भाई थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने तीन साल कह दिए, तीन नहीं आ रहा थी, ग्रामर के एतबार से नौ साल भी हो सकते हैं, चल सौ वोटों की शर्त है, सौ वोट मैं दूंगा अगर मैं हार जाता हूँ, यही अगर रूमी गालिब ना आए तो मैं दूंगा तुझे सौ वोट, और अगर रूमी गालिब आ गए तो सौ वोट तुझे देने होंगे। वो कह रहा था उसे कौन चेकिन दे सकता, जिसे आज कुछ लोग समझते हैं कि अमरीका उनको कोई शक्ल दे ही नहीं सकता। जो लोग अमरीका को अल्लाह तबारक व तआला के बराबर करार दे रहे हों, समझते हैं कि दुनिया में पत्ता हिलता है तो अमरीका के हुक्म से हिलता है, उनके नजदीक अमरीका की ताकत अल्लाह की ताकत है, वो समझते हैं अल्लाह की ताकत, अल्लाह की ताकत भी अमरीका को शकिन नहीं दे सकती, ऐसे ही वो समझ रहे थे कि ईरान को कौन शकिन दे सकता है। लेकिन सिद्दीक कह रहे थे कि मेरे रब ने जो कुरान में उतारा है वो होकर रहेगा। सौ लोगों की शर्त लगा दी गई, जिस काफिर से शर्त लगाई थी नौ साल की, नौ साल में दुनिया का मंजरनामा इस तरह बदला, दुनिया का मंजरनामा इस तरह बदला कि इधर सहाबा बद्र से लौट कर आ रहे थे, जिसने फतह मनाते हुए नम्र बिन हारिथ की लाश खजूर पे टांगते हुए उकबा बिन अबी मुईस को फांसी पर लटकाते हुए और तक को कैदी बनाते हुए मदीना की तरफ लौट रहे थे, और अहले मदीना जिसने फतह मना रहे थे कि आज काफिरों का हमने दिया पाछा कर दिया है, इधर यहाँ फतह थी और उधर रूमी ईरानियों को शिकस्त देकर के फतह मना रहे थे। कुरान ने कहा कि आज मुसलमान डबल खुशियां लेकर लौटे, एक अपनी फतह की खुशी और एक रूमियों की खुशी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा लास्ट वोट में जीत गया हूं, तू हार गया।
कोई शकीन के नहीं। मक्का की कुफरिया ताकत को शकीन, ईरान की कुफरिया ताकत को शकीन, और कुरान का वादा पूरा हुआ। जिन लोगों की नजर अल्लाह तबारक वताला की किताब कुरान पर है, वो जानते हैं कि दुनिया में कोई सुपर नहीं है, कोई सुपर नहीं है, सुपर सिर्फ अल्लाह तबारक वताला है। और जब वो चाहता है तो सुपर को सिफर कर देता है। और जब से कुरान आया है, कुरान की मानने वाले कौम ही सुपर है, इससे अलावा कोई सुपर नहीं है। लिहाजा ये एहसास कमजोरी पैदा मत करो कि अमरीका जमीन का भी रब है और आसमानों का भी वो खुदा है। हर जिद नहीं है, मेरा रब और मुसलमानों का रब और इस कायनात का रब अपने मुसलमान चंद निहत्तों के जरिए अमेरिका की ताकत को चकना चूर कर चुका है, और जो बाकी बची है वो भी लूटने जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये सदी हमारी है। उन्होंने कहा था कि ये सदी हमारी है, इसी सदी में हम राज करेंगे और इस्लाम को दुनिया से मिटा कर दम लेंगे। अभी अफगानिस्तान में जिनके बादल मंडलाए थे, पता तो अभी देखी भी नहीं थी, पता का सूरज तो बहुत दूर था, अभी तो आगाज भी नहीं हुआ था। अभी तो अहले इस्लाम इस तरह खिला रहे थे जैसे छोटे बच्चे चूहे को चूहेदान में बंद करके दरिया के किनारे खिलाते हैं और एकदम नहीं डूबोते। अभी तो उन्होंने खेलना शुरू किया था, अभी तो उन्होंने अभी तो हटकेरियां शुरू की थी कि हाथ पलकते पलकते 2014 आ गया। 13 साल की जंगियों ने कहा हमारे लिए 13 नहीं 13 सदियां भी कोई माना नहीं रखती है। हम जब मैदान जंग में उतरते हैं तो कुछ हासिल करने के लिए नहीं, सिर्फ एक मकसद होता है, शहादत है। मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुछ आई। कहा गई किसी सदी, इधर सोच रहे थे कि उनका राज होगा, इधर अल्लाह तबारक वताला ने ये वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि हम यहाँ से चकित खा के वापस जाए। अफगानिस्तान से वापसी हुई और इराक में खिलाफत इस्लामिया का तैयार हो गया। जिनकी नजर कुरान पर है, जिनकी नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर है, वो आज से 12 साल से तड़प रहे थे, वो आज से 12 साल से उम्मत को झंझोड़ कर कह रहे थे लोगों जमाना एक हाल पर नहीं आएगा। अरब सऊदी अरब के आलिम शेख अरीफी हो या हिंदुस्तान के हसरत उलमा हो, वो पुकार पुकार कर कह रहे थे रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक इस दुनिया पर 5 दौर आने हैं। पहला दौर नबूवत का है, दूसरा दौर खिलाफत का है, तीसरा दौर बादशाहतों का है, चौथा दौर जालिम हुक्मरानों का है, और इन जालिम हुक्मरानों के बाद जो इनके जाने का वक्त आएगा तो पांचवा दौर खिलाफत आला मिनहाजिन नबुव्वा का है। उस खिलाफत का ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यही महीना था, यही महीना है। रमजान की पहली रात है, रमजान का पहला दिन है। इस पहले रमजान को यौमुल फुरकान फिर दुनिया ने देखा के इराक की सरजमीन पर अहले हल्लो अब्द ने, उन्होंने जिनके हाथ में अल्लाह तबारक वताला ने आज के दौर में वो झंडा दिया है जिस झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है और जिसके नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो मोहर है जो आपकी अंगूठी पर हुआ करती थी, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन लोगों ने ऐलान किया, अब सारी दुनिया अच्छी तरह समझ ले मुसलमान 1924 से लेकर के आज तक, यानी 90 साल से अंग्रेजी एतबार से और तकरीबन 100 साल से हिजरी एतबार से पीछे चल रहे थे। अब ये सदी हमारी है, 100 साल के बाद अल्लाह तबारक वताला ने फिर से मुसलमानों को खलीफतुल मुस्लिमीन दिया है। अब मुसलमान बिन खलीफा के नहीं है, अब उनकी नमाजें, अब उनके हज, अब उनके रोजे, अब उनके नमाज जनाबा, अब उनके मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा के साए तले होंगे। 90 साल से उम्मत जिस जुर्म का शिकार थी, जिस गुनाह का शिकार थी, उम्मत जिस खता का शिकार थी, जिसे वो भूल चुकी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के खून ने, फातिमा की औलाद ने, अली मुर्तजा के जिगर गोशे ने, हजरत हसन हजरत हुसैन के
حضرت حسین کے سپہ سالار نے جو امام زین العابدین کا خون ہے شیخ ابو بکر البغدادی اس نے پرچم تھام کر یہ کہا کہ دنیا میں خلافت قائم ہو چکی ہے اور ہم دنیا کی کسی سرحد کو تبدیل نہیں کرتے اکٹھا ہو جائے ساری دنیا کا باطل کسی کے ساتھ یہ کون ہے اب کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہیں اسرائیل اور امریکہ کے تو ان سے پوچھنا کہ حضرت زین العابدین بھی ایجنٹ تھے یزید کے یزید کی فوجوں نے سب کو مار دیا باپ کا قتل کیا بھائیوں کو مار ڈالا علی اصغر علی اکبر کو قتل کر دیا زین العابدین کو کیوں چھوڑا یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ زین العابدین کی بھی دین تھی یزید سے اس لیے بچ گئے یہ کہیں گے نا ورنہ انہیں کیوں چھوڑ دی انہیں کیوں قتل نہیں کیا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اپنے محبوب محمد رسول اللہ سے کہ ہم تیری نسل سے کام لیں گے حضرت حسین ختم نہیں ہو سکتے حضرت فاطمہ کی اولادیں ختم نہیں ہو سکتی لہذا سلسلہ شروع ہوتا ہے زین العابدین بچے ہم کہیں گے اللہ نے بچایا جیسے اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا ارے تم تو یہی کہتے اس وقت کے زمانے کے لوگ تو یہی کہتے ہوں گے کہ یہ موسیٰ تو فرعون کا ایجنٹ ہے اس کے پاس قوت اور طاقت کہاں سے آئی کل فرعون کے یہاں پڑھتا تھا فرعون کے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا فرعون کی ماں کا دودھ پیتا تھا فرعون کی بیٹی کے ساتھ کھیلتا تھا یہ فرعون کا آدمی ہے یہ فرعون ایجنٹ ہے یہ نبی بن کر کہاں سے آ گیا یہ جھوٹا ہے یہ ساحر ہے یہ غلط ہے یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے او لوگوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنے کریم کو یہ معجزے کے طور پر پیدا کرتا ہے کہ جس کی حکومت الٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے گھر میں بدل نہیں چلا رہا اب لوگ کہہ رہے ہیں دولت اسلامیہ کے پاس ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کس نے دیے ارے تمہیں یہ پتہ نہیں کہ مال غنیمت کیا ہوتی ہے مال غنیمت کیا ہوتی ہے محمد رسول اللہ کے پاس پہلی جنگ میں 6 تلواریں ہیں تو بعد میں ہتھیار کہاں سے آ گئے کہاں سے آئے تمہیں نہیں معلوم کہ قرآن کہتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ جب تالوت کا لشکر کل 313 کو لے کر نکلا ہے جب انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ ہم لڑنے کی پوزیشن اور طاقت میں نہیں ہے تو حضرت داؤد کے پتھر میں جان کہاں سے آ گئی حضرت داؤد کے ہاتھ میں گلیل کہاں سے آ گئی وہ پتھر کہاں سے آئے جنہوں نے بول کر یہ کہا اے داؤد ہمیں اٹھا لے ہم جالوت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو جس جالوت کا خاتمہ کس نے کیا ہے داؤد علیہ السلام نے کیا ہے مگر ہم کیا کریں کہ قرآن تمہیں منہ نہیں لگاتا قرآن تمہیں منہ نہیں لگاتا اور تمہاری صورت حال یہ ہے رب بخاری یفلو للقرآن والقرآن یلعنہ کتنے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جالوت کتنی بڑی فوج کیسے ختم ہوئی کس نے ختم کی کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ جن کے سامنے قرآن ہے ان کے دل بتا رہے ہیں جس دن خلافت کا اعلان ہوا ہے اس دن ساری دنیا پر شیخ ابو محمد العدنانی کا جو ویڈیو آیا ہے اس ویڈیو کا عنوان ہے آدھا ما وعد اللہ یہ وہ ہے جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ قرآن میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے وعدہ کیا اہل ایمان سے وعدہ کیا تین وعدے کیے ہیں اللہ نے اس آیت میں پہلا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اللہ
पुलिस सब के कहा उन्होंने हमारे बस में कहा था कि हमें शराब मिल जाती, हमें तो पैर रखने की जगह नहीं थी। अबू ग़रीब जेल में जितने लोग कैद थे, बहनों की चिट्ठियां और हिचकियां सूख सूख कर खत्म हो गई, कितनी बहनों ने अपनी कुर्बानियां दी है। लेकिन हम इस काबिल कहा थे कि हम दुश्मन से एक बारी सरजमीन छीन लेते, लेकिन अल्लाह तबारक वताला ने आज आज हमें अलप से लेकर अलप्पो तक लुबनान से चार गुना बड़े इलाके पर कंट्रोल अता किया है और एक ऐसी सल्तनत अता फरमाई है जहां 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 बातिल की अदालतों को जलाकर खाक कर दिया गया है और जहां इस्लामी निजाम काम कर दिया गया है। अब बातिल कब्र करके जनजनाएगा नहीं बल्कि उस पर हुक्म लगकर उसे सूली पर लटका दिया जाएगा और जिनाकार जिना नहीं करेगा और शराब पीने वाला शराब नहीं पिएगा बल्कि अब शराब तो दरकनार उस पूरी रियासत में कोई माई कलाल सिगरेट भी नहीं पी सकता है और बीड़ी भी नहीं पी सकता। अपने दावा करने वाले तू तो अपने बाप की शराब नहीं पिला सकता, तू तो अपने बेटे का सिगरेट नहीं पिला सकता, तू अपने भाई का बीड़ी का बंडल नहीं पी सकता। इस्लाह की बात करने वाले तू क्या बात करेगा जिस दिनों जिन्होंने अल्लाह तबारक वताला की सरजमीन पर अल्लाह तबारक वताला का निजाम नाफिज किया है और ये अल्लाह तबारक वताला ने उनको वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है, ये किसी की कुव्वत और ताकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह जिसको चाहता है ताकत अता फरमाता है, जो उसने वादा किया उन्होंने यही कहा कि हमसे अल्लाह ने वादा किया है। ये जुर्रत तो लाओ, ये हिम्मत तो लाओ, ये फैसला तो लाओ जिसने जिसने आज के दौर में नमाज जुमा पहला जुमा पढ़ाया, मौसूल की जामे मस्जिद में आया, ईशान के साथ आया, जिस तरह खलीफतुल मुस्लिमीन आया करते थे और नूरुद्दीन जंगी की याद दोबारा से ताजा कर दी। अरे अरे बातें करने वालों, हमारी नजरों के सामने तो मस्जिदें जला दी जाए, हम घर से बाहर न निकलेंगे, हमारे सामने कुरान खत्म कर दिए जाए, हम घर से बाहर न निकलेंगे, हमारे सामने आप में रुकती रहे, हम घर से बाहर न निकलेंगे। जुमे का खुतबा किया और खुतबा देकर ये साबित किया कि मुसलमानों का अमीर और मुसलमानों का खलीफा वही हो सकता है जो एक ही वक्त में फौज का जनरल भी हो, उस मुल्क का सरबरा भी हो और जब जुमे की नमाज का वक्त आए तो मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज जुमा भी अदा करा रहा हो और जब कोई मैयत मुसलमान की रखी हो तो नमाज जनाजा भी अदा कर रहा हो। ये सच्चाई पूरी दुनिया ने देखी है, हालांकि पिछले 10-12 साल से उस शख्स का किसी ने फोटो नहीं देखा, कोई तस्वीर नहीं देखी, वो नामो नमूद के कायल नहीं है, कोई तस्वीर नहीं देखी, वो दिखाना ही अपनी तस्वीर नहीं चाहते थे। लेकिन जब दुनिया ने ये कहना चाहा कि ये कौन है और एक मस्ती तस्वीर अखबारों में आती रही कि एक दाढ़ी मुंडा हुआ शख्स और एक सर मुंडाए हुए शख्स उनको बर्तानी कहा जाता रहा तो पहली बार एक वीडियो जारी की और बर्तानिया और सारी दुनिया के कुफ्र यहाँ तक के बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में बैठकर उस तस्वीर को खुद देखा और फिर ये कहा कि झूठो मक्कारो दज्जाल की मीडिया के जरिए हमारी तस्वीर को मस्त करने वालों, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा पक्का गुलाम हूँ जिसकी जबान पर कुरान जारी है और जिसके दिल में हदीस जारी है और जिसके सर पर 1400 साल पुरानी वही पगड़ी है जो उमर इब्ने खत्ताब के दिल में। आज कह दूं दुनिया पिछले दिनों से उमर उमर का नाम तो सुन रही थी, तलाश थी अबू बकर की। कल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दो वजीर थे, एक का नाम अबू बकर था और दूसरे का नाम उमर था। एक अबू बकर जिसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमाई थी कि उसने अंदर के मुनाफिकीन को समझा था और मुत्तकीन को समझा था। एक उमर इब्ने खत्ताब थे जो कुफर पर बहुत ज्यादा शदीद थे, लेकिन जब मसला आया था उन नाम निहाद मुसलमानों का जो बज़ाहिर तो इस्लाम का दावा कर रहे थे, जो बज़ाहिर तो मुसलमान थे, जो बज़ाहिर तो ईमान वाले थे, जो कुरान के पढ़ने वाले थे, लेकिन ये कह रहे थे कि हम ज़कात
बैतुल माल में जमा नहीं करेंगे, ज़कात हम अबूबकर सिद्दीक को नहीं देंगे, हम अमीरुल मोमिनीन को नहीं देंगे, हम सब पापों में अमीर मानेंगे लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे। तो उस वक्त अबूबकर के सीने को, वहां अबूबकर के सीने को अल्लाह तबारक व तआला ने खोल दिया था और अबूबकर ने ऐलान किया था, मैं जिस तरह रोमियों से लड़ने के लिए उसामा बिन ज़ैद को रवाना कर रहा हूँ, मैं जिस तरह मुसैलमा कसरत से मुकाबले के लिए खालिद बिन वलीद को रवाना कर रहा हूँ, मैं इनको मुर्तद जानता हूँ। जो बैतुल माल में ज़कात अदा नहीं करेगा वो वाजिबुल क़त्ल है। यहाँ तक कि हज़रत उमर ने भी जब ये कहा कि नरमी बरत लो, अबू बकर क्या कहते हो, अबू बकर ये मुसलमान है, मुसलमानों से लड़ोगे, मेरे पास तो एक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा उमिरतु अन उक़ातिल नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं इन्हें कत्ल करोगे। हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे पास भी यह हदीस है लेकिन ऐ उमर सुनो, मन फर्रका बैन सलाति व ज़का, जो नमाज को जमात के साथ अदा करे, एक इमाम के पीछे अदा करे, नमाज तो इमाम के पीछे अदा करे और ज़कात बैतुल माल में न दे, वो काफिर है, मुर्तद है। इनसे ऐसे ही लड़ूंगा जैसे मुर्तदों से काफिर हो। उसी शान को लेकर आज वो बकर आया है, उसी शान को लेकर आया है जिसने आकर ये ऐलान कर दिया है कि हमारी दुश्मनी इतनी ही अमेरिका से है, उतनी ही फ्रांस से है, उतनी ही बरतानिया से है और उतनी ही इन अरब के गद्दारों से है, इन मुर्तदीन से है जिन्होंने अपने मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला की किताब को नाफिज नहीं किया है। इनसे भी वैसे ही हम कतार करेंगे जिस तरह हम यहूद व नसारा और मुशरिकीन से करेंगे। जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब इस सरजमीन पर भी नाफिज नहीं हो जाती, ये सारे निज़ाम डेमोक्रेसी की शक्ल में हो, ये कैपिटलिज्म शक्ल में हो, ये सोशलिज्म की शक्ल में हो, उसने ऐलान कर दिया है ये सबके सब ताबूत है, ये सबके सब शैतान की औलादे हैं, हम इनसे मुकाबला करेंगे। सीना खोल दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने, वो रौब में नहीं आएंगे, अब्दुल अजीज खानदान के वो रौब में नहीं आएंगे, शाह हुसैन और शरीफ खानदान के वो रौब में नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि कौन मुसलमान है, उन्हें मत समझाओ कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, राफिजी कौन है और मैं राब्दी कौन है। अल्लाह तबारक ने दौरे हाजिर के लिए उनके सीनों को मुनकशिफ कर दिया है, जिस तरह उबकर सिद्दीक का सीना मुनकशिफ हो गया था और तमाम सहाबा की राय को दरकिनार करते हुए उबकर सिद्दीक ने उसामा का लश्कर भी रूमियों से लड़ने के लिए रवाना किया था और यहाँ जो मुर्तद उठे थे ज़कात का इंकार करने वाले, आज का उबकर भी कल के उबकर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने वालिद हजरत अली की सुन्नत को जिंदा करते हुए ये ऐलान कर चुका है कि जितने ये नाम निहाद मुसलमान हैं, ये अगर कुरान और इस्लाम की राह में रुकावट बनते हैं तो मुसलमान नहीं। इनका हुक्म वही है जो सिद्दीक अकबर का बनता। आज मेरे अजीजों, उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशी का दिन, पहला रमजान आया, चारों तरफ से अहले हक जिस चीज से आज तक रू करता थे, जिस खलीफा की तलाश थी, आप सोच रहे होंगे कि ये मौका तो नहीं था इस वक्त कहने का, मगर यही मौका है इस वक्त कहने का। जिम्मेदारी है हमारी, आपको बचाना है, उम्मत को बचाना है भेड़ियों से, मकलू चेहरों से जो कुरान को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान का एक हुक्म उन्हें मिल जाए और वो हुक्म बड़ा अच्छा लगता है हुक्मरानों को भी और कुछ और लोगों को भी, और वो है ज़कात का हुक्म। वो क्या है ज़कात? मुस्लिम हुक्मरानों को भी कुरान की आयत बहुत अच्छी लगती है कि लोगों तुम पर 2.5% ज़कात फर्ज की गई है, लाओ हमें ला करके जमा करो। ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये अंग्रेजों के वफादार, ये उनके तलवे छाटने वाले, उनके कानून को अपने मुल्क में नाफिज करने वाले भी कहते हैं नहीं मुसलमानों कुरान का हुक्म है ज़कात हमें दो, ये बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ हमारे सू हैं उन्हें भी ज़कात का हुक्म बड़ा अच्छा लगता है। मुसलमानों 40% तुम पर ज़कात है, तुम्हारे आलुओं में भी ज़कात है, अगर बैंगन की खेती है तो वहाँ पहुँच जाए, उसमें भी हमारा हिस्सा है और तुम्हारे सोने में भी हिस्सा है। ज़कात का हुक्म तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अगर कहीं कुरान चल रहा है तो वो उस पर क्यों दिल नहीं खुल रहा? अगर कहीं कुरान के मानने वाले
قتل ہو رہے ہیں تو ان کے حق میں دعائیں کرنے کے لیے بھی لب جن کے نہیں کھل رہے, یہ اچھا نہیں لگ رہا. زکات اچھی لگ رہی ہے سیٹ صاحب, حاجی صاحب بولا صاحب, ارے ذرا تشریف لائیے اور ایسا ہے ویسا ہے, یہ ہے رمج نہیں. بہت اچھی دوستی سیٹ صاحب سے, بگڑ نہ جائے صرف زکات دینے کے لیے. اور جب قرآن یہ کہہ رہا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جا کر کے جنگ نہیں کرتے؟ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے, نہیں وہ آج کے لیے نہیں ہے, مثال قرآن کی مکہ کے لیے نہیں ہے, کچھ نہیں آج. ما لکم کیا ہے شان نزول اس آیت کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مدینے کے مسلمانوں سے اور محمد رسول اللہ سے اور صحابہ سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ مکے کی بستی میں کچھ لوگ مسلمان ہیں, کمزور پھنسے ہوئے ہیں, ہجرت نہیں کر سکے, پورٹ نہیں تھے, جانے کے راستے نہیں تھے, اتنے جوان مرد نہیں تھے, کمزور تھے, اب ستائے جا رہے ہیں. مکے کی کفریہ طاقتیں ان سے انتقام لیتی, حوصلے والے نہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ کیا کرنے کے لیے؟ جنگ کرنے کے لیے. تو قاتلون فی سبیل اللہ, تم جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلتے. والمستضعفین من الرجال, جبکہ کمزور مرد, مستضعفین من الرجال, کمزور مرد, والنساء, اور عورتیں, والولدان, اور بچے چیخ رہے ہیں, بچے بل بلا رہے ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا, واجعل لنا من لدنك نصيرا, ہمارا کوئی ولی بھیجے, کوئی مددگار بھیجے, اے اللہ اس بستی سے نکال لے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, اے محمد جس بستی سے نکل کر آئے ہو اسی مکہ کی طرف جاؤ. محمد رسول اللہ نے اپنے گھوڑوں کو تیار کیا, اپنے صحابہ کو تیار کیا, اور 10,000 کنسر لے کر مکے کی طرف نکل کھڑے ہوئے, مکے کو فتح کیا, اور فتح کرنے کے بعد اعلان کر دیا, وہ اپنے اوپر ناز کرنے والوں, آج محمد رسول اللہ کا لشکر آ گیا ہے, آج کے بعد کسی ماں کو ٹیڑھی نظروں سے مت دیکھنا, آج کے بعد کسی بیٹی کو غلط نگاہوں سے مت دیکھنا, آج کے بعد کسی معصوم پہ ہاتھ نہ بڑھانا. مکے کو فتح کرایا اور صحابہ سے کہہ کر گئے لا ہجرت بعد الفتح, مکے والوں کے ہجرت کی پریشانی نہیں, قیامت تک اسلام کی چھاؤں میں مکہ کو دے دیں. اب کیا ہماری ان نظروں کے سامنے 29 جون پہلے رمضان کو ادھر بھی خلافت کی بشارت ملی, ادھر جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ زمین پر اللہ کا آرڈر نافذ ہو گیا, زمین پر میرے ماننے والے اب گرفتار ہو رہے ہیں, میرے ماننے والوں سے جزیہ لیا جا رہا ہے, میرے ماننے والوں کے سامنے 1400 سال پرانی بات دوہرا دی گئی, اسلام قبول کر لو امن کی چھاؤں میں آ جاؤ گے, نہیں قبول کرتے تو تمہیں جزیہ دینا ہوگا, ہم تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے, اور اگر یہ دونوں چیزیں منظور نہیں تو آؤ میدان میں مقابلے کے لیے, دیکھیں تم نے اصل ماں کا دھوپ دیا ہے یا ہم نے. تو ابلیس گھبرا اٹھا, جل بلا گیا کہ میرے ماننے والوں پر آج جزیہ لگا دیا جائے, اسی 21ویں صدی میں لگا دیا جائے, جبکہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, جبکہ ہمارے پاس پوری دنیا کی قوت و طاقت ہے, جبکہ ہمارے پاس منافقین کے جتھے کے جتھے ہیں, یہ ہو کہ چرچ کے اوپر لگی ہوئی کراس کو توڑ دیا جائے اور چرچ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگا دیا جائے. اس لیے اس نے کہا کہ وہاں تو تم کچھ نہیں کرتے, او یہودیوں, او میری اولادوں, او میری نسلوں, آؤ فلسطین جو کمزور ہیں, کہ تم کمزوروں پر بھی حملہ نہیں کر سکتے, لہذا 7 دن کے بعد کمزور فلسطینیوں پر قتل و خون کا بازار گرم کر دیا گیا, اور حالات یہ ہیں کہ ہزاروں سے اوپر نوجوان شہید ہو چکے ہیں, معصوم 5 سال کے بچوں سے لے کر 2-2 سال کے بچے رو رہے ہیں,
तड़प रहे हैं और जनाजे उनके रखे हुए हैं। ये गलियां थी जो अभी खिली भी नहीं थी, उनको मसल दिया गया। ये भूत थे जो अभी मुस्कुराए भी नहीं थे, उन्हें कफ़न कर दिया गया। दुनिया का इतना बड़ा कातिल जिसने हजारों की तादाद में मकानों को ढा दिया है, वो वीडियो तो देखो जिसमें मासूम बच्ची मलबे के नीचे दबी पड़ी है, मासूम नन्ना तरफ जिगर मलबे के नीचे दबा पड़ा है, लाखों टन मलबा उसके ऊपर है और फलस्तीनी अल्लाह अकबर कहकर एक एक पत्थर हटाते हैं और अपने उस बच्चे को तलाश करते हैं। उस बच्चे की टांगे फंसी हुई है, जिस बाहर निकलता है तो एक ही सदा गूंजती है और वो सदा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद इस जिस्म को उठा लिया जाता है जो जख्मों से चूर चूर है, जिसकी हड्डी हड्डियां टूटी हुई है, लेकिन अहले फलस्तीन ये कहते हैं ऐ मारा हम पीछे हटने वाले नहीं है, अपनी सरजमीन पर जमे रहेंगे। हाल ये है कि आज सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आखिरी जिना मिन हाजी हिंसा जालिमी इसकी आवाज लग रही है, लेकिन मिस्र का बॉर्डर बंद है, जॉर्डन का बॉर्डर बंद है, लुबनान का बॉर्डर बंद है, वो ना कहीं हिजरत कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। ऐ मकानों में शीर्ष महलों में रहने वालों अल्लाह से पना मांगो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा अपना घर ढह जाए, तो पता चलेगा तेरा अपना बेटा अगर दुश्मन की नेतों पर हो और उसकी तलवार के नीचे हो, तब तुझे पता चलेगा कि तू कैसी फरियाद करेगा। फलस्तीन की माँ मेरी माँ है, फलस्तीन का बेटा हमारा बेटा है। उस बात से पूछो जो अपने बेटे का जिस्म उठाए हुए है और बेटे की टांग कट चुकी है और तड़प रहा है, उससे पूछो जिसकी दोनों टांगे कट चुकी है और बाप से कहता है अब्बा जान आज के बाद मैं मस्जिद अक्सा अपने पैरों से चलकर ना जा सकूंगा। उन बच्चियों से पूछो जिनकी माँ गिरफ्तार कर ली जाती है और बच्चियां पुलिस से लड़ती है, इसराइली फौजियों से मुकाबला करती है, आखिर थक जाती है। माँ लोहे की गाड़ी में बंद करके ले जाते हैं फौजी, ये बच्चियां सड़क पर दौड़ती है, माँ माँ पुकारती है, लेकिन कोई पुकार उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनको दिलासा देने वाला नहीं है। माँ तो क्यों गई है, उस औरत के साथ कितने वहशियों ने जिना बिल्जबर किया होगा। अगर आज कुछ नौजवान उन अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं, फेसबुक पर मैसेज डालते हैं, उनकी तस्वीरें डालते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, तो हमारा आज का मस्जिद का जिम्मेदार ये ऐलान करता है कि तू उनके लिए क्यों मफरत की दुआ कर रहा है, तू यहूदियों के लिए क्यों जो है जन्नत जाने की दुआ नहीं कर रहा। आज के मुस्लिम कौम के लिए इतना भी नहीं कि फूलों से नफरत। मैं बेंगलोर में था, वहां की मस्जिद के इमाम से एक नौजवान ने कहा फाना साहब फूलों से नफरत पढ़ दो। मुस्कुरा कर जवाब दिया कि बड़े बड़ों ने शुरू नहीं की, पहले पना पढ़ेंगे फिर पना पढ़ेंगे फिर पना पढ़ेंगे, मैं फिर शुरू कल वापस पढ़ता हूं, तब तक तो उस मस्जिद में इमाम ने शुरू नहीं। दिल नहीं पत्थर है सीने में, मजा रहा क्या गुजर रही है। हाय अफसोस, एक तरफ ईमान का दावा, एक तरफ मुसलमान होने का दावा, लेकिन रसूलुल्लाह से पूछो मुसलमान कौन। इन यहूदियों से क्या रसूलुल्लाह होते तो ऐसे ही बैठे रहते। एक औरत का कत्ल हुआ था बनू कैनुका के बाद आपने, एक औरत का कत्ल हुआ था सिर्फ मुसलमान औरत का, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदीने को उन यहूदियों से पाक कर दिया सिर्फ एक औरत के कत्ल पर। आज तो 1000 से ऊपर कत्ल हो चुके हैं। अहले फलस्तीन के पास कुछ नहीं है, मगर अहले गजा के शेरों दुनिया में तुम्हारी हिमाएं हैं जिन्हें मुसलमान मां कहने का फख्र है। इस तरह इसराइली टैंक टॉप और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाच ने दम कर दिया है, तिगनी का नाच नचा दिया है, और क्या मजाल है कि गजा में वो अपने टैंक लेकर दाखिल हो जाए। रब्बे काबा की कसम, अगर ये पाकिस्तान का हुक्मरान जिन बमों को वजीरिस्तान पे गिरा रहा है, जिन बमों को मुसलमानों
کو قتل کرنے گرا رہا ہے. کاش ان میں سے یہ چند بھی ظاہر ان مسلمانوں کو دے دیتا, رب کعبہ کی قسم تلابیب خان کو خون میں تڑپ رہا ہوتا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ پہن کر رہا ہوتا. آج ترکی کا حکمراں بد نصیب حکمراں نہ ہنچار حکمراں, ترکی کی پوری فوج ٹک ٹک سیزم چمنا کشیدم بنی ہوئی ہے. او یہودیوں کے ایجنٹوں, کل جب تم اللہ کی کتاب پر عمل کرتے تھے تو مکہ تمہارے ہاتھ میں تھا, مدینہ تمہارے ہاتھ میں تھا, خانہ کعبہ تمہارے ہاتھ میں تھا, تمہاری فوجیں ہندوستان میں داخل ہوتی تھی, تم یورپ کے سینے پر جا کر اللہ اکبر لکھتے تھے اور آج تم ناٹو کے تلوے چاٹتے ہو. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ دنیا کے جتنے حکمراں ہیں کوئی مسلمان نہیں ہے ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم اگر یہ مسلمان ہوتے تو ان کے لشکر اسرائیل میں داخل ہو چکے ہوتے, تل ابیب کی طرف ایک تو اس پر مار چکے ہوتے. ہاں میں آج اس گئے گزرے صدام حسین کو یاد کروں گا جس نے 1990 میں 3 اسکٹ پھینکے تھے تل ابیب کی طرف اور سائرن بجے تھے اور 31 دن میں کے اندر اندر سلا. اے عزیزو اور ساتھیو, وقت رونے کا ہے, فلسطینیوں کے لیے دعا کا وقت ہے. حالانکہ پہلی ان کی مدد یہ تھی کہ ساری دنیا کے مسلمان کھڑے ہوتے. ہم کتنے گئے گزرے ہیں آج اپنے آپ کو سنی کہلانے والے, اہل سنت و جماعت کا نعرہ لگانے والے, سنت و رسول کے عاشق کو بتاؤ, اس ملک میں ایک دوسرا فرقہ بھی رہتا ہے شیعوں کا. جب انہیں لگا کہ نجف و کربلا خطرے میں ہے تو انہوں نے پورے ہندوستان میں کوہرام مچا دیا, جنتر منتر پر کھڑے ہوئے, ان کا قلب جباد اور قلب صادق نکل کھڑا ہوا. وہ فارم چاہے کہتی ہی صحیح اپنے 50,000 پاسپورٹ لا کر جمع کر دیے اور یہ کہا کہ اگر بغداد کی طرف حملہ آور ہوئے لوگ تو ہم بغداد پہنچیں گے اور تحفظ کریں گے. کہاں ہے ہندوستان کے سنی سربراہ, کہاں ہے حکمراں, کہاں ہے قائدین, کہاں ہے لیڈر, کہاں ہے اس ملک کی قیادت کرنے والے؟ کم سے کم 50,000 کا مجمع کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جائیں گے, جبکہ فلسطین کا مسئلہ عراق والا مسئلہ نہیں ہے. ارے ان فلسطینیوں کے دکھ درد پر تو ہندوستان کا میڈیا بھی چیخ اٹھا, آج تک نے خبر دکھائی اور خبر دکھا کر یہ کہا کوئی نہیں ہے پوچھنے والا. معصوم بچوں کو روتے ہوئے دکھایا گیا اور خبر دینے والے نے کہا یہ ہے ننھا سا ایک معصوم بچہ جس کا آشیانہ ٹوٹ گیا ہے, لیکن یہ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو گھر سے باہر نکال رہا ہے. اس کی پونجی ایک کھلونا تھا, ایک معصوم بچے کی تصویر ہندوستانی میڈیا نے دکھائی اور اس کے ہاتھ میں وائپر تھا اور اس کو دکھایا, یہ ننھا سا بچہ اپنے گھر میں اپنے گھر سے خون سمیٹ رہا ہے, جس کا گھر خون سے لبریز ہو گیا ہے. ایسا ہندوستانی میڈیا جو سراسر ہمارا دشمن ہے, لیکن اس قتل کو دیکھ کر ان سے بھی برداشت نہیں ہوا. برطانیہ کے ایک ایم پی نے یہ تک کہہ دیا, سنو ساری دنیا والوں, اگر میں غزہ میں ہوتا اور میرے ساتھ یہ کچھ ہوتا تو آج میں بھی صحیح کی طرح راکٹ پائے گا. لیکن کیا سنبھلو, کیا میرٹھ, کیا لکھنؤ اور کیا دہلی, پورا رمضان گزر گیا, پورا رمضان گزر گیا, کبھی کی زبان پر نہیں آیا. آخری جمعہ گزرا اور دعائیں تک نہیں ہوئی, دعائیں تک نہیں ہوئی. جن لوگوں نے دعائیں قنوت پڑھنا شروع کی ان کا مذاق اڑایا گیا, ان کا ڈھڈورا پیٹا گیا. اے لوگوں اچھی طرح سنو, عرض قدس بیت المقدس سے ہمارا رشتہ ہے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیت المقدس صرف دیوبندیوں کا ہے؟ چلو اس کو تو کہہ سکتے ہو, لیکن کوئی کہہ سکتا ہے بیت المقدس تو دیوبندیوں کا بھی ہے اور ہر اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. جہاں سے رسول اللہ کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے, جہاں فرات باندھا گیا ہے, جہاں آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا ہے, آج وہ سرزمین آپ کو پکار رہی ہے. غزہ ایک چھوٹا سا شہر جہاں پر آگ اور خون کی بارش ہو رہی ہے, میزائل پر میزائل مارے جا رہے ہیں, پاسپورٹ بم گرائے جا رہے ہیں. مجھے تو آج حیرت ہوتی ہے کہ ہم کتنے گئے گزرے ہیں,
हम आज भी बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को आज भी नए नए कपड़े पहना रहे हैं। ये ईद हमारी ईद नहीं है, ये हमारी सबकी ईद है। ईद उस दिन होगी, ईद उस दिन होगी जिस दिन इस्लामी लश्कर, जिस दिन सल्तनत इस्लामिया, जिस दिन खिलाफत इस्लामिया का शेर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर इसराइल की सरहद में दाखिल होगा और आकर ये कहेगा, खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद सऊफा यहूद मोहम्मद करब कर आ चुका है। जिस दिन मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की जाएगी मुसलमानों, उस दिन हमारी ईद होगी। ईद कहा है हमारे लिए तो सब में गम है। इबलीस को यही खुशी तो रात नहीं आई, उससे ये तो अब नहीं हो सकता। मांगी थी मदद अमेरिका से, दोबारा इराक की सरजमीन पर आ हमारी मदद को आ, लेकिन उसने कहा भी जियादों इस्लाम के शेरों के सामने हम नहीं टिक सकते, जिन्होंने मार के हमें भूत बना दिया है, जिन्होंने हमारे ताबूत हमारे न्यूयॉर्क भेज दिए हैं। अबू बकर बगदादी वो है जिसने जेल से निकलते हुए एक न्यूयॉर्क के फौजी से कहा था, सुन ले अब तेरी हमारी मुलाकात इंशाल्लाह न्यूयॉर्क में होगी। ये खालिद ये वो नहीं है जो एक जगह पर बैठ जाएगा, जो बारिश बना है अबू उमर अल बगदादी का, जो अबू उमर बगदादी वारिस था अबू मुसहब ज़रफ़ावी का, जो सरका से जॉर्डन से चलकर आया था सुल्तान हुसैन की शहादत के बाद लोग ये समझते थे कि इराक अब मुसलमानों का नहीं रहेगा। इन्होंने आकर ये ऐलान किया था दुश्मन को मार भी भगाएंगे और दुश्मन के जाने के बाद उसके एजेंटों के हाथ में यहाँ की बात तोड़ नहीं देंगे। आज अल्लाह तबारक व तआला ने वहां अपने खजाने उनकी कंट्रोल में दे दिए है और जो करेंसी उन्होंने छापी है उन करेंसी पर बगदादी का पलटू नहीं बल्कि उसामा बिन लादेन का पलटू। चाट अपने सपनों को अमरीका, लोग कहते हैं ये तो अमरीका के एजेंट है, तो आप क्या कहने अमरीका के एजेंट ही अमरीका को खा रहे हैं। लोग इनको कह रहे हैं ये खारजी हैं, तो दलील क्या देते हैं कि खारजी नहीं मुसलमानों से लड़ते हैं काफिरों से लड़ते हैं। अरे अकल के अंधे, इराक में 42 मुल्क वो मुसलमान थे या काफिर थे, उन्हें मुसलमान समझता। अरे 42 और 43 मुल्कों से मुकाबला करने वाले काफिरों से नहीं मुकाबला कर रहे, तो किससे मुकाबला कर रहे हैं? ये खारजी है। और जो खारजी उन्हें खारजी नहीं कहता, ये अरब हुक्मरान, ये मुसलमान हुक्मरान। 8,00,005 जजीरा अरब पर पड़ी हुई है जिसने बैतुल मुक़द्दस से लेकर के खाने काबा तक कब्जा किया हुआ है। ये हुक्मरान किसी इसराइल से लड़े, ये हुक्मरान किसी अमेरिकन से लड़े, ये मुसलमानों का कत्ल करते हैं, मुस्लिम नौजवानों का ये कत्ल कर रहे हैं। मिस्र में जनरल सीसी ने किसका कत्ल किया? मुसलमानों का कत्ल किया। सऊदी अरब का हुक्मरान अपनी एयरबेस दिए हुए है अमरीका को, जहाँ से यमन पे बम्बर फाये जा रहे हैं, ये मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। जो बाकी है उन्हें तो इस्लाम का हमनवा कहता है और जो इस्लाम वाले हैं उन्हें तो फाजी करा देता। इसलिए कह रहा हूँ अजीजो, पहले संभल और पहले हिंद। बहुत करीब अगर हुआ इमाम मेहदी आए और उनकी बैत हुई मक्का में, जैसा कि रिवायात से पता चलता है कि 7 मुल्कों के इस्लामी 7 सरबराह उनके हाथ पर बैत करेंगे, तो जिस वक्त उनके हाथ पर बैत होती तो ये कौन बैत करेंगे उनके हाथ पर? आप सोचेंगे नजमत रसुल्ला जाके बैत कर लेंगे, सलमान खुर्शीद जाके बैत करेंगे, आ गए हमारे अमीर गुलाम नबी आजाद बैत करेंगे। कौन बैत करेगा इमाम मेहदी के हाथ पर? यही जो आज कुफ्र से बरतरे पैकार है, यही तो उन्हें अपना अमीर बनाएंगे। जिस तरह आज बगदादी को अपना अमीर बनाया है तो सारी दुनिया ने खबर दी कि उन्होंने अपने सरगना को एलिफेंट कहना शुरू कर दिया, खलीफा दे दिया, खलीफा का नाम दे। जब इमाम मेहदी आएंगे और उनको जब अमीर बनाया जाएगा तो दुनिया का मीडिया यही तो कहेगा कि इन तमाम आतंकवादियों ने, इन तमाम दहशतगर्दों ने अपना एक नया अमीर बनाया है और उसके हाथ पर बैठ कर ली है, उसका नाम मोहम्मद है और खाने काबा में बैठ करी। ये तो कहेंगे कि नहीं? अब आप संभल में पहुंचोगे जाके देखें सब
सबसे बड़ी मस्जिद में क्या पता चलता है, वहां जाकर वजू कैसे चलेंगे? आप पूछेंगे जरा देखो तो सही, किस मस्जिद में शीशा लगा हुआ है, किस मस्जिद में बहुत सुंदर किस्म का तालीम लिखा हुआ है, दिन भर मोदियों के सजा हुआ है, वहां से सही आवाज आए उनसे पूछो, वो कहेगा ये तो बाजी है, कश्मीरी एजेंट है। किसको? इमाम अहमदी को। और यहां तक कि जब हजरत ईसा अलैहि सलाम आ जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे ये ईसाई, क्या कहेंगे उन, जब वो ईसाइयों के कातिल मन कराएंगे, जब वो एक एक यहूदी का कत्ल करेंगे, जब वो दज्जाल का कत्ल करने के लिए आएंगे तो कई दुनिया उनके साथ होगी। मसला है मेरा और आपका, इसलिए अगर आज ही हमने फैसला नहीं किया हमने फैसला तो कहीं ऐसा ना हो कि कल हजरत मेहदी तशरीफ ले आए और हम हजरत मेहदी की मुखालफत में खड़े हों। ये बात हमने पुकार पुकार कर कही और आखिर में आपसे फिर कहते हैं कहीं हमारा हाल ये ना हो जाए जो बनी इस्राइल के आलिमों का हुआ, जो बनी इस्राइल के उलमा का हुआ, वो यहूदी आलिमों का हुआ जो रसूलुल्लाह की बेसब से पहले 600 साल से मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतजार कर रहे थे और ये कहते थे कि हमारे दरमियान एक नबी आएगा, जब वो आ जाएगा तो हम सारी दुनिया की कौमों को शिकस्त देंगे, हम फतह याब हो जाएंगे, ऐ काफिरों हम तुमको गालिब आएंगे, वो आने वाले हैं, वो जब आएंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। इतने में 610 ईस्वी में कुरान उन पे नाजिल होना शुरू हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब कुरान आया तो सबसे पहले मुखातब करने वाले ये आलिम ही थे। कौन? यही थे जो लोगों का पैसा बटोर रहे थे, जो लोगों से हदीये और तोहफे ले रहे थे, जो गांव तकिए लगाकर मजे से बैठे हुए थे, जिनकी गाड़ियों में उस जमाने में खूब उस हिसाब से पैसा चल रहा था। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए तो सबसे पहले मुखालफत करने वाले यही खड़े हुए, सिवाय अब्दुल्ला बिन सलाम को छोड़कर तमाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत की। कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के इमाम मेहदी आ जाए, हजरत ईसा का नुज़ूल हो जाए और मुखालफत के तीर चल रहे हों और उनके कहने में आकर हम भी कहें कि हजरत वाला जो फरमा रहे हैं। इसलिए अपनी अकल से भी काम लो, कुछ गौर करो। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नौजवान, वो नौजवान जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो नौजवान जो ट्विटर और सोशल मीडिया पर बैठते हैं, वो नौजवान जो सड़कों पर मजदूरियां करते हैं, वो नौजवान जो घरों पर काम करते हैं, वो नौजवान जो होटलों में बैठे हैं, रब्बे काबा की कसम उनके दिल खिल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हक क्या है और बातिल क्या है। और हम कुरान के पढ़ने वाले, हम हदीस के जानने वाले, हम कुरान और सुन्नत की हद लगाने वाले, हम कुरान और सुन्नत की बात करने वाले, हम खड़े होकर सब विताइज नहीं कर पा रहे, उनके दिल कह रहे हैं। आज मीडिया पर, आज फेसबुक पर और आज व्हाट्सएप पर उम्मत को दावत दे रहे हैं और दलाइल निकाल कर ला रहे हैं और ये बता रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं मियां, ये खलीफा कैसे हो सकते हैं? अभी तो पूरी दुनिया ने इन्हें माना है। तेरा मानना जरूरी है, तू सनद देगा? दारुल कुफ्र में बैठकर, दारुल हरम में बैठकर बातिल की जूतियां सीधी करके, बातिल के तलवे चाट कर और बातिल की गुलामी करके और दारुल हर्ब को दारुल अमन कहकर और दारुल हर्ब को दारुल मुआहदा कहकर और दारुल अमन कहकर तू सब सबूत देगा, तू तुझसे तस्दीक कराई जाएगी कि सही क्या है और बातिल क्या है। अहले हक़, अहले हमलो हक़ कौन है? अहले हमलो हक़ वो है जिन्होंने आज के दौर में बातिल से उसका परचम छीन कर उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया है और पहाड़ों की चोटियों पर अल्लाह का कलमा नाफिज़ कर दिया है। जिन्होंने ईसाइयों से ये कहा है इस धरती पर रहो तो इस्लाम ला कर रहो या जिजिया दे कर रहो, तो खुद जिजिया दे रहा काफिरों को, तुझसे सबूत मांगा जाएगा, तू फैसला देगा। रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो फैसला काबे अहबार, फैसला काबे असर करता, फैसला मुराफे करता, फैसला अब्दुल्ला बिन उबई करता। कुरान और सुन्नत ने फैसला कर दिया और दुनिया के है जो अब्द ने जो फैसला किया है, या ये मत समझिए कि सबका मानना जरूरी है। मुझे दलील दो, मैं पेश कर रहा हूं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह तआला की बैत कहां हुई? सदीक बनी साइदा में एक चौपाली तो हुई, क्या वहां सारी दुनिया के लोग जमा थे? बताओ, सारी दुनिया जमा थी, अहले मक्का जमा थे,
चंद लोगों ने बैत की और बैत कायम हो गई। अब खलीफा उबकर सिद्दीक को तस्लीम कर लिया गया। यहाँ तक के हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने तो एक महीने या दो महीने तक बैत की ही नहीं। लोग कह रहे थे हजरत अली से आपको हम खलीफा बनाएंगे। जब हजरत अब्बास ने कहा कि अली ठहर जाओ, तुम्हारे खानदान में लोग दो चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबूवत थी और बादशाहत थी। अल्लाह ने नबूवत थी तुम्हें, रसूल तुम्हारे खानदान में आए, तो खिलाफत उबकर सिद्दीक दूसरे खानदान में रहने दो। तब हजरत अली ने जाके महीनों के बाद या एक महीने दो महीने के बाद बैठ की, खलीफा कहलाए कि नहीं। और जिन लोगों ने ज़कात देने का इनकार किया, उनके इनकार के बावजूद खलीफा अव्वल कहलाए कि नहीं कहलाए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शहादत के वक्त छह लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी पर यह कह दिया कितने लोग थे, छह। आज सलमाना होता तो यहाँ से लोग कहते हैं संभल वालों को तो पूछा, एक आदमी तो संभल का भी होना चाहिए था। कुल छह बना दिए थे तुम्हें, कुल छह। जबकि सवा लाख सहाबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज्जतुल वदा में मौजूद थे, तो ये छह फैसला करेंगे। कुल छह ने फैसला किया। तीन हजरत उमर की वसीयत थी, मेरी मौत के बाद तीन दिन तक मशवरा करना सिर्फ, और तीन दिन के बाद चौथी रात न गुजरे के खलीफा नामजद हो जाए। जब तीन दिन हो गए और कुछ लोगों में हवाएं चलने लगी, तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला से लोगों ने कहा अब्दुल रहमान ऐलान करो, तीसरा दिन हो चुका है। अब्दुल रहमान बिन औफ ने ऐलान कर दिया कि उस्मान गनी खलीफा है। कितने फैसला किया, छह लोगों ने फैसला कर दिया। और इस्लाम कहां तक पहुंच गया बोलिए। और जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की बैत हुई तो चौथे खलीफा हजरत अली हैं कि नहीं बोलो, है या नहीं है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला खिलाफत के लिए तैयार नहीं थे। ये बाहर से जो फितना प्रताप आए थे, इन फितना प्रतापों ने कहा कि है अली आगे बढ़ो, खिलाफत के लिए तैयार हो, वरना हम तुम्हारा भी उसकी तरह कत्ल कर देंगे जिस तरह हमने उस्मान का कत्ल किया है। हजरत अली तैयार नहीं थे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हजरत अली फिर आगे बढ़े और अरबाब हल्लो अब्द ने आपके हाथ पर बैत कर ली और आप खलीफा राशिद कहलाए। अहले शाम ने तो बैत नहीं की आपके हाथ पर, खलीफा बने भी नहीं बने। अब दुनिया क्या कहती है कि खलीफा जब बनेंगे, जब सनद अमरीका से लेकर आए, जब रूस से सनद लेकर आए, जब शाहबहद जो अमरीका का गुलाम है उससे सनद लेकर आए, जब नवाज शरीफ जो अमरीका का एजेंट है उससे सनद लेकर आए, और जब नरेंद्र मोदी से ये परमिशन ले लेके मोदी जी में बन जाऊं खलीफा। ये भी हज कमेटी का चेयरमैन है, ये भी वक्फ बोर्ड है, इनसे इजाजत लेते वो बने, सारी दुनिया की कुफरदार हक लोगों से जाकर ये कहेंगे बन जाओ खलीफा, और ये परमिशन दे तो फिर खलीफा बन जाए। ऐ अजीजो साथियों दोस्तों अजीजो, 1932 में जो इस्लाम पे जिगर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे और जिसको 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 तोड़ दिया गया था, जॉर्डन अलग बनाया गया और सीरिया अलग बनाया गया, इस शख्स ने आकर उस सरहद को तोड़कर मुल्क के शाम और इराक को एक कर दिया है। जिस दिन वो बॉर्डर तोड़ा गया है उसी दिन इबलीस कसमसा उठा था। ये कौन मस्ताना और कलंदर आया है जिसने अहले शाम से कहा शामियों अब इराक में आने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, सरहदें हमने तोड़ दी है और बिल्डोजर से सारे सरहद की दीवारों को खत्म कर दिया और खलीफा बनते ही ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारी दुनिया ने सुन लिया और ये कहा ऐ सारी दुनिया के मजलूम मुसलमानों, अब तुम्हें अल्लाह ने सल्तनत इस्लामिया दे दी है, अब तुम्हारा अपना मुल्क बन चुका है, अब तुम्हारी अपनी खिलाफत कायम हो चुकी है। जो लोग हिजरत करके आ सकते हो वो हिजरत करके आ जाए, अब जाम शामियों का नहीं है, अब इराक इराकियों का नहीं है, ये सारे मुसलमानों की सरजमीन है। जो आए यहाँ उसके लिए यहाँ पर मदीने की तरफ आना। ये अमरीका के एजेंट ऐलान करते हैं, ये इसराइली एजेंट ऐसा ऐलान करते हैं, जो अमरीका और इसराइल को अल्लाह मान चुके हैं उनकी समझ में कभी नहीं आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला कमजोरों को भी कुव्वत और ताकत दे सकता है,
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا جن کو آپ نے اپنی مسجد میں سنا, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو اب احسان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو زمین میں کمزور تھے. وہ کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل تھے. اتنی بڑی کمزور قوم جو قتل ہو رہی ہے, جس کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا مالک ہے, جسے چاہے لوٹ دے اسے چاہے چھین. انہی باتوں کے ساتھ میں نے کہنا تک چلے کہ یہاں پر رمضان کے اس مہینے میں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی وہ کہنا ضروری تھی. اس لیے اب آپ حضرات بھی نہ کسی کے کہنے میں آئیں, انشاءاللہ خلافت اسلامیہ کا قیام ہو چکا ہے عنقریب, بہت عنقریب. اب اس کے شیر دنیا کی طرف نکلیں گے اور ایک دن وہ آئے گا کہ القدس میں بھی داخلہ ہوگا. ابھی پک سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ایک دم فیصلے نہیں کرتا. ہمارا کام ہے کمزور لوگوں کی طرح دعائیں کرنا, آنسو بہانا, اور اللہ رب العزت کس تحبون اور کس کی آنکھوں قبول فرمائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مبارک محفل میں آج کی تاک رات میں دعا کر لیتے ہیں, اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و حبیبنا و مولانا محمد, یا رب صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عافيت تبارك ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم ايد جماعه المسلمين المخلصين الموحدين, اللهم اهلك الذين كفروا, اللهم قاتل الذين يقاتلون اولياءك, اللهم قلهم اقطع عزيز مقتدر, اللهم انزل قهرك وعزك وعذابك ومقتك وصمتك عن الجنود المشركين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. رب کریم, اے خالق کائنات, جس بستی میں ہم بیٹھے ہیں یہ بستی بہت زمانے سے غازیوں کی, شہیدوں کی, تیرے جیانوں کی بستی رہی ہے. اے اللہ تو نے اس بستی کے بیشتر نوجوانوں کو اسلام کا پرچم اٹھانے کے لیے قبول فرمایا اور چار تاکہ عالم میں ان کے قلم کی روشنائی کو اور ان کی آواز کو پہنچایا. اے مولا کریم, آج تھی کے سطح میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے رب کعبہ تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے مولا, یہ کیا ہوا کہ ہماری ایک دم خوشی کی خبر آئی, خلافت اسلامیہ کا ڈنکا بجا اور اس کے سات دن ہمیں, سات دن کے بعد ہی ہم سے ہماری خوشیاں چھین لی گئی, ہماری آنکھ میں آنسو دے دیے گئے, ہمارے دامن تار تار کر دیے گئے. اے مولا کریم, فلسطین کی سرزمین پر یہود و نصارہ کے بیچ جو مار کا شروع ہوا ہے, اے رب کعبہ اپنے غازیوں کو پتہ نصیب فرما, غازیوں کو پتہ نصیب فرما اور جہاد شہیدوں کو اعلیٰ درجہ اور مقام نصیب فرما. اے مولا, کون کہتا ہے کہ امت مسلمہ پانچ ہو گئی ہے, غزہ کی سرزمین پہ نظر ڈال, معصوم بچے آگے بڑھ کر شہادت کا جام پی رہے ہیں, ماں کی گود سے چمکی ہوئی ننی سی کلیاں, اے مولا کریم, دین اسلام پر زخم کھا کر زمین پہ تڑپ رہے ہیں. اے رب, کسی کا بھیجا نکل گیا تو کسی کی ٹانگ کٹ کے فضا میں اڑ گئی, کسی کا دل باہر نکلا پڑا ہے, کسی کا کلیجا چبا لیا گیا, منظر احد کا سا ہے. اے مولا, منظر مکے کی گلیوں کا سا ہے, لیکن اے مولا, تو نے احد میں صحابہ کا خون قبول فرمایا اور اسلام کو فتح نصیب فرمائی, اہل فضا کا خون قبول فرما لے, اور مولا کریم اسے یہودیوں کے لیے جہنم کا ایندھن بنا. مولا, پوری امت سو گئی تھی, پوری امت
पूरी उम्मत गफलत में थी, पूरी उम्मत चादर तान कर सो गई थी। कौन था जो तेरी बात करता, कौन था जो इराकियों पर रोता, कौन था जो अहले शाम पर रोता। ऐसे में अहले गजा आगे बढ़े, नारे मस्ताना लगाकर सर से कफन बांध कर आगे बढ़े, और गजा की जमीन पर आज भी डटे हुए हैं। और यहूदियों से कह दिया है, ऐ खैबर के यहूदियों सुन लो, हैदर करदार की औलादे पीछे नहीं हटती। हजरत हुसैन के दीवाने शाहे शहादत तो सजाते हैं, जाने शहादत तो पीते हैं, लेकिन कभी यजीद के हाथ में हाथ नहीं देते। ऐ नाला उनकी शहादतों को कबूल फरमा, जिनके मकान खा दिए गए, जिनके मकों के नीचे उनकी औलादे चीख रही है और पुकार रही है। ऐ रब करीम उनकी मदद को कोई जाने वाला नहीं। वो मस्जिद की तरफ देखते हैं तो कोई सलाहुद्दीन नजर नहीं आता, मगरिब की तरफ देखते हैं तो कोई तारिफ बिन ज़ियाद नजर नहीं आता, शुमाल की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो कोई मोहम्मद बिन मासिम नहीं, जुनूब की तरफ देखते हैं तो कोई नूरुद्दीन ज़ंगी नहीं, कोई तारिक बिन मरीज नहीं। ऐसे में सबकी नजरें खलीफतुल मुस्लिमीन पर लगी है, शेर बगदादी पर टिकी हुई है, और जालिम हमें ताना दे रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा अमीन, क्यों फलस्तीन नहीं जाता, क्यों इसराइल नहीं जाता। ऐ माला ताने सुनते सुनते दिल भर आया है, दिल जख्मी हो गया है, छलनी छलनी हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है। ऐ माला तू लाज रख ले, खिलाफत की लाज रख ले, और खलीफा को वो दिल दिखा कि जो मुअत्तसिम बिल्लाह की तरह, हजरत अमीर माविया की तरह, खालिद बिन वलीद की तरह अपने लश्कर को लेकर निकले। आंधी और तूफान बनकर, सैलाब और सहर बनकर, तुंद तेज हवा बनकर, जॉर्डन को फतह करता हुआ, लुबनान को फतह करते हुए, परचम इस्लाम को आगे बढ़ाते हुए इसराइल की सरहदों में दाखिल हो और तेरे दुश्मनों की गर्दनों को नाप ले और ऐलान करे, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم। ऐ वाला वो दिन दिखा दीजिए, तूने हजरत बिलाल को बद्र की फतह नसीब फरमाई, हमें भी तू दिखा सकता है। तूने हजरत बिलाल को मक्का की फतह दिखाई, तू हमें भी तू बैतुल मुकद्दस की फतह दिखा सकता है। ऐ वाला तूने हजरत अम्मार बिन यासिर को अपनी माँ को तड़पता हुआ भी दिखाया और मक्के को फतह होता हुआ भी दिखाया। हाँ हमने, ऐ वाला हमने बनी इसराइल की माँ को तड़पते हुए भी देखा है, हमने इसराइल में मुसलमान बेटियों को बिलखते हुए देखा है। 11 साल के नन्हे से अपने लगते जिक्र हो इसराइली फौजियों के हाथों में कैद देखा है। ऐ वाला उसे कैद देखा है, 9 साल के बच्चे को इसराइली कैदियों के हाथों में बिलखते और तड़पते हुए देखा है। रब वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा जब गजा की सड़कों पर अहले इस्लाम के हाथों में तुलता कलता फरमा दिया। ऐ वाला उनके हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम दिखा। रब करीम हमारी खिलाफत को वसी फरमा दीजिए। तूने कल इसे मक्का से शुरू फरमाया था, मदीना से तो दुनिया में फैला दिया था। ऐ अल्लाह इसी तरह आज तूने बगदाद और शाम से शुरू फरमाया है तो सारी दुनिया में इसको वसी फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ वाला तेरा फज़्ल और तेरा करम है कि तूने हमारी दिल की आंखों को खोल दिया। अगर तेरा फज़्ल ना होता तो हम भी गलत राहों पर होते, हम भी इन्हें तेरा दुश्मन समझ रहे होते, हम भी इन्हें मुनाफिक और दुश्मनों का एजेंट जान रहे होते। ये तेरी फज़्ल तेरा आता है कि तूने हमें अरबी सीखने के काबिल फरमाया, अरबी जुबान की शिद्दता फरमाई, दारुल देवबंद की हिस्सत नसीब फरमाई, मौलाना कासिम नानोत्वी की फिक्र और उनकी रूह उनकी तला पता फरमाई। ऐ वाला तूने शेखुल हिंद का जिगर हमारे दिलों में पैदा फरमाया। रब्बे काबा, कल हमारे अकाबरीन ने खिलाफत के बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी, तो मौला करीम उनके जमाने में खिलाफत खत्म हुई थी और हमने खिलाफत को अब उभरते हुए देखा है, जमते हुए देखा है, हंसते और फूलते हुए देखा है। उन्होंने खिलाफत बचाने के लिए चंदा दिया था, खिलाफत बचाने के लिए लहू दिया था, खिलाफत को कायम रखने के लिए कुर्बानियां पेश की थी। ऐ मौला आज हम भी खिलाफत के क़याम के लिए, उसकी बका और दमाम के लिए तुझसे गुजारिश करते हैं, हमारा लहू कबूल फरमा ले, हमारी आहें कबूल फरमा ले, हमारी हिस्सियां कबूल फरमा ले, हमारी औलादें कबूल फरमा ले, हमारा माल और जान कबूल फरमा ले। ऐ रब तू कबूल फरमा ले तो हमारा नसीबा जान जाएगा। ऐ मौला हमारी आज की रात में मकबरत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह
اے مولا کریم ایک طرف غم ہے لیکن دوسری طرف رب کریم خوشی ہے کہ امت نے یہودیوں کو گریبان پکڑ کر گھسیٹ لیا ہے اور محبت اور معاذ ابو جہل کی گردن ناف میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے شہدائی یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں ہم نے کل بھی تمہیں مدینہ سے باہر نکالا تھا, آج بھی ہم تمہیں غزہ اور فلسطین سے باہر نکال کر دب لیں گے. اے مولا جن کے مکان ٹوٹے ہیں ان کے مکان جنت میں بنا دیجیے, اے مولا ان کے مظلوم مدد کی کرسی کے لیے عالم اسلام کو کھڑا کر دیجیے. اور یہ حکمران جو مسلمانوں کی گردنوں کے مالک ہو گئے ہیں, اے مولا ان کی گردنوں کو مروڑ دے دیجیے, مروڑ دیجیے ان کی گردنوں کو, اور شاید بغدادی کے ہاتھ میں ان کی گردن دے دیجیے تاکہ وہ عقبہ بن ابی معیط کی طرح, نصر بن حارث کی طرح دنیا کو بتا سکے اسلام کے غداروں کی سزا وہی ہے جو رسول اللہ نے بدر کے قیدیوں میں سے دو قیدیوں کو دی تھی. اے ہمارا قریب یہودیوں کی گردن ان کے ہاتھ میں دے دیجیے تاکہ وہ دنیا کے سامنے بتا سکے کہ ان کی سزا وہی ہے جو رسول اللہ نے بنو قریظہ کو دی تھی. اے مولا ہمارا کام دعائیں کرنا ہے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما, دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اس ملک میں بھی مولا کریم ہم تیرے چاہنے والے ہیں, یہاں بھی ہم تنہا کھڑے ہیں, ہماری صفوں میں نہ جانے کتنے منافق ہیں جو ہماری طرف سے مصیبتوں کا انتظار کر رہے ہیں, جو ہم پر آزمائشوں کی راہیں تک رہے ہیں, جو ہماری طرف سے بری خبروں کے منتظر ہیں. اے مولا ان کے کلیجے کو کبھی ہماری طرف سے بری خبر مت پہنچوا تھا, وہ تڑپتے رہے, وہ حسد کی آگ میں جلتے رہے, ہماری حفاظت کے فیصلے فرما, ہماری مدد کے فیصلے فرما. اے مولا اس ملک میں بھی اسلام کو غالب فرما, امت مسلمہ کو بیدار فرما, ہمیں جگہ دے, مظفر نگر کے ہاتھ سے جاگ جائے یا سہارنپور کے ہاتھ سے جاگ پڑے ہوں, اے مولا مسجدوں کی شہادت ہمیں جگا دے, قرآن کی شہادت ہمیں جگا دے. اے رب کریم بہن اور بیٹیوں کی آسماں عصمتوں کا رٹ جانا ہمیں اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پھلو دے. اے مولا بہت ہو چکا, اب ہماری سبوں میں اتحاد پیدا کرنا, ہم اپنے مسلکوں کو توڑ دیں, ہم اپنے مشربوں کی دیواروں کو پھرانگ جائیں. اے مولا ہم تیرے ہو جائیں, ہمارا جھنڈا ایک ہو جائے, ہمارا امیر ایک ہو جائے, ہمارا مقصد ایک ہو جائے, ہماری منزل ایک ہو جائے, ہمارا مرکز ایک ہو جائے, ہمارا سب کچھ میں سالار ایک ہو جائے. اے مولا ہمیں ایک کر دے, اور دنیا میں جو امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے اس کو ایک لڑی اور ایک ملک میں پھیلو. آج کی رات میں جو بیمار ہیں مولا ان کو صحت نصیب فرما, جو کمزور ہیں ان کو طاقت عطا فرما, جن کے کاندھوں پر بوجھ ہے قرضوں کا ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما. یہ پورا مجمع سوالی بن کر آیا ہے, ہر ایک کا سوال پورا فرما. یہ پورا مجمع مولا کریم آج کی رات میں اپنی دعائیں قبول کرانے کی امیدیں لے کر آیا ہے پوری فرما. ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا ہے اس کی دعا کو قبول فرما, جو نہیں کہہ سکے ان کی دعا کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, اس مجلس کی برکت سے قبول فرما, شہدا کے خون کے صدقے میں قبول فرما, غازیوں کی قربانیوں کے نتیجے میں قبول فرما. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. Thank you.